हेलो गुड इवनिंग एवरीवन क्या हाल है बच्चा पार्टी सब बिंदास है बढ़िया है सब एकदम ओके ओके बहुत सारे लोग आ गए हाय गुड इवनिंग शुभम नेहा शुवांदू प्रीतम प्रियंक प्रियंका शाश्वत जीशन क्या बात है दो दिन से मिस कर रहे हो राजू एंड एंड दिस अमेरिकन वन सेवन आई एम ई जीरो जीरो नाइन आई डोंगा ठीक है रोहित हाय गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके तीन दिन का कोटा आज पढ़ाएंगे चलो देखते हैं आज कितना पढ़ते हैं ओके सो हाई गुड इवनिंग गाइज हाँ बच्चो बाकी सारे लोगों को भी बता दो हो सकता है हाँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो आवाज आ रही है ओके आवाज आ रही है सब लोगों को एक बार एक बार जरा अपने ग्रुप्स वगैरह में वापस शेयर कर दो ठीक है इससे पहले जल्दी से सबको बोल देते हैं आ जाओ चलो ओके सो so गाइज आज हम आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। देखो आज का आज का जो लेक्चर है आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज मालूम होगी जो आज हम पढ़ने वाले हैं बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आज तक कुछ आइडिया नहीं होगा एंड आई एम श्योर आईसी इंजन हो या पावर प्लांट हो ये ये जो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं ये आईसी इंजन में भी यूज होती है पावर प्लांट में भी यूज होती है जहां पे भी कंबशन होता है वहां पे यूज होती है सो so, आज हम कुछ केमिस्ट्री पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल की एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ठीक है अगर आपने नाम सुना हो कुछ फ्लैश पॉइंट फ्लेम पॉइंट ऑटो इग्निशन पॉइंट कुछ नाम सुना है ठीक है सो so, ये जो तीनों चीज भैया किस चिड़िया का नाम है ये तीनों चिड़िया क्या है फ्लैश पॉइंट क्या होता है ऑटो इग्निशन क्या होता है तीनों पे क्या क्या कैसे कैसे कंबर्शन होता है फ्यूल क्या करता है कौन से इंजन में हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं उसके बेसिस पे इंजन बनाए गए हैं देखो आप लोग जो लोग जो लोग मतलब सिर्फ साइकिल पढ़ने में बिलीव करते हैं सर ऑटो साइकिल पढ़ा दो डीजल साइकिल पढ़ा दो उसके बाद में हमें कुछ मत पढ़ाओ उन सब लोगों के लिए थोड़ा आई ओपनर है क्योंकि ये जो ऑटो है या डीजल है ये इसी चीज से बन के आया है कि, कि किसका फ्लैश पॉइंट कितना है किसका ऑटो इग्निशन पॉइंट कितना है उसके बेसिस पे हमने कंबेशन डिसाइड किया है और उसके बेसिस पे पूरा इंजन डिजाइन हुआ है ओके सो so, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन वो टॉपिक है जो थोड़ा अब मेन स्ट्रीम में आ जाएगा हमारा ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं गाइज दिस इज अ कंप्लीट कोर्स ऑफ इंटरनल कंबेशन इंजन मेरे पेन को क्या हो गया दिस इज अ कंप्लीट कोर्स ऑफ इंटरनल कंबेशन इंजन ओके आईसी इंजन का ये कोर्स है मैकेनिकल वालों के लिए मरीन इंजीनियरिंग के लिए एंड देन थर्मो का जो एक्सी लोग हैं उन सब के लिए ओके गाइस दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट कोर्स टुडे इज द फिफ्थ लेक्चर जिन लोगों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं फटाफट से देख लो आई एम गेटिंग वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइव कर रहे हैं क्लासेस बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन कर रहे हैं ठीक है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ओके तीन घंटे का लेक्चर कर दूं अरे मैं तो आठ घंटे पढ़ा दूंगा तुम नहीं बैठ पाओगे <laughs> तुम नहीं बैठ पाओगे मैं तो आठ घंटे भी पढ़ा दूंगा ठीक है मैंने मैंने 2019 में 2019 में मैंने एक ऑफलाइन बैच लिया था पुणे में ठीक है इन इन पुणे ये जो बैच था इस बैच में मैंने पूरा कोर्स सिर्फ तीन दिन में खत्म करवाया था Only three days, three consecutive days. सुबह सेवन थर्टी हम स्टार्ट करते थे ठीक है सुबह सेवन थर्टी एम स्टार्ट एंड शाम को आठ बजे हम खत्म करते थे ओके तीन दिन में थर्टी फोर आवर्स मैंने ऑफलाइन में ये लेक्चर पढ़ाया था तो मैं तो पढ़ा दूंगा तुम लोग अपना देख लो ठीक है देखो पुणे पुणे के बच्चों की ये खास बात है वाले बच्चे दे आर वेरी डेडिकेटेड और इस, इस बैच में मैं अभी भी बता दू मुझे आई स्टिल रिमेंबर बहुत सारे लोगों के faces मेरे को याद है स्टूडेंट देबल टिल एट पी एम एवरी डे नाइनटी परसेंट सुबह सेवन थर्टी डॉट शार्प आ जाते थे और उसके बाद में फटाफट गाड़ी चलती थी ठीक है ओके <laughs> okay, चलो ओके okay, चलो देखो इधर सो गाइज स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं नेम इज विनोद कुमार आई हैव डन बी फ्रॉम इंजीनियरिंग आई हैव ऑल्सो डन माई बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग दो दो डिग्री है मेरे पास में तीसरी डिग्री है एम टेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग आई वॉज ऑल इंडिया रैंक वन इन गेट मैकेनिकल में 2013 में आई वॉज द फर्स्ट रैंकर देन आई वॉज रैंक फोर एंड सेवेंटी सेवन इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम दो बार ये एग्जाम क्रैक किया है हेयर इफ यू सी इंटरव्यू में मैंने स्कोर किया है मार्क्स ओके ओके आउट ऑफ आज तक का इंटरव्यू का हाईएस्ट स्कोर है इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग आएंगे बाद में अभी पहले अभी पहले एग्जाम को क्रैक कर लो रिटर्न को उसके बाद में इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस दूंगा बीच बीच में इंटरव्यू के लिए सवाल बताते रहूंगा आई वोज ऑल इंडिया रैंक थ्री इन इसरो आई हैव गोट लॉड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस जहां पे मैंने एयरक्राफ्ट इंजन भी डिजाइन किए स्टीम टर्बाइन भी डिजाइन करता हूँ एंड आई है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को छह साल से पढ़ा रहा हूं बट बाकी सारे जो भी स्टूडेंट है जो कॉलेज वाले थे उनको पहले से भी पढ़ाता था ओके okay, इंसान हो या एलियन हो नहीं भैया वो वो तीन दिन तो भूत बन गए थे एकदम ठीक है उन तीन दिन तो एकदम कुछ पता नहीं बॉडी के लोअर पार्ट को पता भी नहीं लगता था चल क्या रहा है बट बच्चों का रेस्पॉन्स इतना अच्छा होता था बच्चे इतने अच्छे से सुनते थे पढ़ते थे क्वेश्चन पूछते थे कि आपको फील ही नहीं होता था कि बारह घंटे पढ़ गए ठीक है ओके तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बट शेयर करना ना भूलो शेयर करो प्यार बढ़ाओ एंड सब्सक्राइब कर लो ठीक है आपको दूसरे और भी जिन जिन लोगों को दूसरे कोर्सेज चाहिए वो सब लोग भी सब्सक्राइब कर लो बिकॉज यहां पे बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आने वाला है ओके चलो ओके सो स्टार्ट करते हैं गाइज आज का लेक्चर आज का लेक्चर होगा सबसे पहले हम कंबशन स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा चीज है जो मैं मिस कर गया था लास्ट क्लास में जब मैं मटेरियल्स बता रहा था उसको हम पहले देख लेते हैं उसके बाद में कंबशन पे बढ़ेंगे ठीक है अगर आपने देखा होगा मैंने आपको बताया था कि पिस्टन जो होती है ठीक है पिस्टन जो होती है यह हमारी पिस्टन थी मैंने आपको पिस्टन बताई थी ठीक है पिस्टन में फिर मैंने आपको बताया था कि पिस्टन जो होती है पिस्टन के अंदर जो टॉप ग्रूव होता है ठीक है दिस इज योर टॉप ग्रूव ऐसे पिस्टन के अंदर ग्रूव्स होते थे ठीक है जहां पे पिस्टन रिंग्स बैठती थी याद है क्या सबको ठीक है ये आपका पिस्टन रिंग्स वाला पार्ट है ठीक है याद है सब लोगों को दिस इज योर पिस्टन दूसरे साइड भी दूसरे साइड भी आपके पिस्टन ऐसी ही होती थी ठीक है यहां पे ये आपका पिस्टन ऐसे होके कुछ ऐसा होता था दिस योर पिस्टन यहां नीचे स्क्रैपर होता था उसका ग्रुप मैंने नहीं बनाया सिर्फ पिस्टन रिंग के दो ग्रूफ बनाए और यह पिस्टन रिंग के जब मैंने दो ग्रूप बनाए थे मैंने आपको पिस्टन दिखाया था याद है जब हमने पिस्टन दिखाया था तो मैंने कहा था कि पिस्टन में जनरली यहां पे जो टॉप पोर्शन होता है इसको हम थोड़ा सा काट के इसको हम थोड़ा सा यहां पे काट काटके और इसकी जगह कुछ दूसरा मटेरियल भरते हैं आपका पिस्टन ग्रे कलर का था उसमें एक येलोइश कलर का यहां पे ग्रूव बनाया हुआ दिखाया था मैंने और मैंने कहा था इसको बोलते हैं पिस्टन रिंग इंसर्ट ठीक है दिस इज कॉल्ड एज इंसर्ट पिस्टन रिंग इंसर्ट ठीक है ये जो पिस्टन रिंग इंसर्ट होता है ये फर्स्ट कंप्रेशन रिंग पे ही होता है सिर्फ जो ऊपर वाली कंप्रेशन रिंग होती है उसी पे होता है नीचे वाले पे नहीं होता है नीचे वाले पे सिर्फ आपका ग्रूव ऐसा ही रहता है ऊपर वाले पिस्टन रिंग में ऐसा क्या खास बात है कि यहां पे ये इंसर्ट दिया जाता है और ये इंसर्ट एक्चुअली में है क्या यहां पे इंसर्ट हम लगाते क्यों हैं तो इंसर्ट लगाते क्यों हैं इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं अगर मान लो यहां इंसर्ट नहीं होगा तो क्या होगा ठीक है लेट से आपकी यह एक पिस्टन रिंग है ठीक है यह आपका पिस्टन है इधर इधर आपका पिस्टन है, ओके दिस इज योर पिस्टन इस पिस्टन में मैंने इंसर्ट नहीं दिया है ऊपर वाला ग्रूव जो है दैट इज विदाउट द इंसर्ट यह सिर्फ पिस्टन ऐसा ही है दोनों बिना इंसर्ट के हैं। अब इसके अंदर लेट से यह आपका ये आपका सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर आपने लेट्स से पिस्टन लेट्स पिस्टन रिंग बैठा दी है ओके सो हेयर इज अ पिस्टन रिंग दैट इज एक्चुअली सिटिंग ओवर हेयर ओके यहां पे आपकी एक पिस्टन रिंग बैठी है ओके okay? ये आपकी पिस्टन रिंग है ओके दिस इज योर पिस्टन रिंग ये आपका इंजन है इंजन में यह पिस्टन है यह सिलेंडर है ठीक है साइड वाला सिलेंडर यह पिस्टन और बीच में पिस्टन रिंग बैठी है यह पिस्टन किस मटेरियल का होता है जनरली पिस्टन किस मटेरियल का होता है पिस्टन जनरली होता है हमने बताया था या तो स्टील का होगा ठीक है मॉडर्न जमाने में यह पिस्टन स्टील के बनने लगे हैं थोड़ा उससे पहले कास्ट आयरन के बनते थे और जो लाइट इंजन होते हैं उनमें जनरली ये अल्यूमिनियम का अलॉय होता है तो से मैं ले लेता हूं कि ये पिस्टन जो है ये स्टील का है बड़े इंजन की बात कर रहे हैं हम ठीक है ये पिस्टन स्टील का है पिस्टन रिंग किसका है पिस्टन रिंग का मटेरियल क्या है किसका है तेरा मेरा नहीं है इंजन का ही है ठीक है पिस्टन रिंग का मटेरियल क्या है पिस्टन रिंग का मटेरियल हमने का कहा था दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम कास्ट आयरन ठीक है पिस्टन रिंग जो बनी हुई होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है ये आपका स्टील है यह आपका कास्ट आयरन है दोनों में से स्ट्रोंग मटेरियल कौन सा है जल्दी बताओ दोनों में स्ट्रोंग मटेरियल कौन सा है जल्दी बताओ जल्दी बताओ दोनों में से कौन सा स्ट्रांग मटेरियल है हमारा स्टील स्ट्रांग मटेरियल है कास्ट आयरन सॉफ्ट मटेरियल है ठीक है ये है स्टील कास्ट आयरन सॉफ्ट है जनरली ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि जब आपका पिस्टन ऊपर नीचे चल रहा होता है जब आपका पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है वेन योर पिस्टन इज मूविंग अप एंड डाउन ठीक है जब आपका पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो यह पिस्टन रिंग जो है ये क्या करेगा यह भी एक्चुअली में ग्रूव के साथ ऊपर नीचे मूव करता है ठीक है पिस्टन ऊपर जाएगी ये रिंग को ऊपर ले जाएगी पिस्टन नीचे आएगी ये रिंग को नीचे लाएगी फिर ऊपर फिर नीचे तो ऐसे करते करते अब अगर आप देखो तो इस ग्रूव के अंदर क्या हो रहा है यह ग्रूव है ग्रूव के अंदर पिस्टन को अगर देखो तो पिस्टन रिंग ग्रूव के अंदर कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है जब पिस्टन आपका ऊपर जा रहा होगा

बट जैसे ही ये पिस्टन नीचे जाती है ये पिस्टन देखो नीचे मूव करने लग गई बट रिंग अपनी जगह पे ही है अभी। तो जनरली जब पिस्टन ऊपर वाले पोर्शन से नीचे आना चाहेगी तब एक्चुअली में अगर देखोगे तो ये पिस्टन नीचे आ जाती है और आपका पिस्टन रिंग ऐसा लगेगा जैसे ऊपर शिफ्ट हो गई है मतलब आपका पिस्टन रिंग यहां पे ऐसे बैठ जाएगा क्लियर है यहां पे इस वाली लोकेशन पे बैठ जाएगा ठीक है इस वाली लोकेशन पे यहां ऊपर टच हो जाता है तो एक्चुअली में क्या होता है ये पिस्टन रिंग जो है वो ग्रूव के अंदर ऐसे ऊपर नीचे मूव करती है ग्रूव के अंदर ऊपर नीचे मूव करती है जब ये ग्रूव के अंदर ऊपर नीचे मूव करेगी अभी तो आपको मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूं एकदम पिस्टन दिख रही है कि भैया धीरे धीरे मूव कर रही है बट जब इंजन रन करता है चार आरपीएम पे छह आरपीएम पे पिस्टन रिंग जो है धड़ धड़ करके कभी ऊपर मारती है कभी नीचे मारती है कभी ऊपर मारती है कभी नीचे मारती है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ग्रूव में करती रहेगी एक मटेरियल है कास्ट आयरन ये एक मटेरियल है स्टील कास्ट आयरन सॉफ्ट है स्टील हार्ड है और इस स्टील पर यह कास्ट आयरन कभी ऊपर मारता है कभी नीचे मारता है ऐसे तो जब ये ऊपर नीचे कर रहा है तो एक्चुअली में क्या होता है यहां पे इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे ये दोनों पोर्शन ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नीचे वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला पोर्शन है इन दोनों पोर्शन पे एक्चुअली में एक्चुअली में क्या होता है इंपैक्ट लोडिंग आती है इंपैक्ट होता है पिस्टन रिंग इंपैक्ट करती है और जब ये इंपैक्ट करती है तो जनरली क्या करती है ये ये आपके ग्रूव को यह आपके ग्रूव को खराब कर सकती है यह आपके ग्रूव को खराब कर सकती है तो आपका ग्रूव थोड़े टाइम के बाद में ऐसा हो सकता है ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा मैं दूसरे कलर से बना देता हूं जिससे आपको समझ में आए ठीक है दूसरे कलर से कौन सा कलर लू लो ब्लू ले, ले लेते हैं ठीक है ये आपका ग्रूव जो है ये कुछ ऐसे डैमेज हो सकता है ऐसे ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग ऑफ द ग्रूव बाय द रिंग आपका ग्रूव जो हो सकता है वो ऐसे खराब हो सकता है और अगर ग्रूव ऐसे अनइवनली खराब हो गया है तो अब आपका पिस्टन रिंग जो है वो अच्छे से नहीं बैठेगा ग्रूव के ऊपर और अगर अच्छे से नहीं बैठेगा तो ये सीलिंग नहीं कर पाएगा और अगर सीलिंग नहीं कर पाएगा तो ये पूरा पिस्टन रिंग का परपस ही खत्म हो गया पिस्टन रिंग का मेन पर्पस क्या होता है सील करना ठीक है बट ये सील नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि ये ग्रूव डैमेज हो गया है कभी कभी तो ये ग्रूव ऐसा बन जाता है ऐसा 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 कोनिकल सा ऐसा ग्रूव मैंने देखा है ऐसा बन जाता है तो अगर ये ऐसा ग्रू बन गया तो अब आपकी पिस्टन रिंग बैठ ही नहीं पाती है ढंग से तो इसके कारण अब आपका सीलिंग नहीं होता है सीलिंग ना होने के कारण ऊपर से गरम गरम गैसेस नीचे क्रैंक के क्रैंक केस के अंदर जाती हैं एक्सप्लोजन होने का चांस रहता है तो उस एक्सप्लोजन से अगर आपको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा उस एक्सप्लोजन से आपको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि रिंग जब इस चीज को इंपैक्ट करे तो ये ग्रूव डिफॉर्म ना हो तो आपको इसको स्ट्रोंग करना पड़ेगा इस ग्रूव को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा जिससे कि ये इंपैक्ट लोडिंग सह सके चाहे 20 साल तक पिस्टन रिंग मारती रहे बट ये ग्रूव डिफॉर्म ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको एडिशनल स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी उसको अगर एडिशनल स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी तो जनरली हम क्या करते हैं हम इस पूरे पोर्शन को ही कट करके बाहर निकाल देते हैं we remove this material. हम 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 से स्टील स्टील जो 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 है, 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 इस को remove कर देते हैं। okay? जो है, जो है, देते हैं, हैं। ये की आपके पिस्टन बनी हुई उसको हटा और उसकी जगह एक टफ स्ट्रॉन्ग अलॉय जनरली हाई कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील अगर देखोगे स्ट्रॉन्गर टफर दे आर हार्डर एज कंपेर टू योर माइल्ड स्टील ठीक है तो यहां पर जनरली हम क्या करते हैं एक हार्डर्ड मटीरियल का ग्रूव लगाते हैं ओके सो दिस इज पिस्टर्न रिंग इंसर्ट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज हार्डर्न हार्डर्न स्टील अलॉय ठीक है मोस्टली हाई कार्बन मोस्टली हाई कार्बन होता है और अगर हाई कार्बन नहीं है तो इसके अंदर इसके अंदर जनरली हम क्या करते हैं क्रोमियम ऐड करते हैं माइल्ड स्टील के अंदर क्रोमियम माइल्ड स्टील के अंदर ऐड करते हैं क्रोमियम जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो माइल्ड स्टील को हार्ड कर देगा जो भी आपका नॉर्मल स्टील है पिस्टन का उसमें हम क्रोमियम ऐड करेंगे तो इट बिकम्स स्ट्रोंगर इट बिकम्स टफर हार्डर ठीक है क्रोमियम का एक और एडवांटेज है क्रोमियम दो तरह से आपको हेल्प करता है यहां पे पहला तो ये कि ये इस ग्रुप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा दूसरा है कि क्रो, uh, क्रोमियम को प्रिवेंट करता है ओके तो यहां पे जो पिस्टन रिंग ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है उसके कारण मटेरियल में छोटे छोटे टीयर्स वगैरह आ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन जो हो सकती है हाई टेम्परेचर पे है ऑलरेडी वो आपके स्टील को स्टील के अंदर क्या है आयरन है तो आयरन का कोरोजन कर सकती है तो कोरोजन से बचाने के लिए भी क्रोमियम जो होता है वो एक लेयर बना लेगा एंड इट विल नॉट लेट ऑक्सीजन टू गो इनसाइड जैसा स्टेनलेस स्टील में होता है स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम जो होता है वो क्रोमियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है इम्परमी इमपरवियस जिससे कि ऑक्सीजन अंदर चाह ही नहीं सकती और ये आपका मटेरियल जो होगा ये कोरोजन से रेजिस्ट हो जाएगा जनरली so ये जो मटेरियल होता है दिस इज आइदर हार्डन स्टील अलोय मोस्टली हाई कार्बन होता है और क्रोमियम क्रोमियम स्टील ठीक है क्रोमियम स्टील मतलब इसमें क्रोमियम ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद में इस इंसर्ट को बनाया जाता है क्या समझ में आया क्या सबको फ्रिक्शन <laughs> फ्रिक्शन आप पूछ रहे हो हाउ वी विल बी गेट टू नो दैट पिस्टन रिंग्स आर एंट वर्किंग प्रॉपरली देखो अगर आपकी पिस्टन रिंग प्रॉपरली नहीं काम कर रही है अगर ये पिस्टन रिंग ढंग से काम नहीं कर रही है इसका मतलब आपके कंबशन प्रोडक्ट्स जो हैं, देखो देखो प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा आपके कंबशन प्रोडक्ट्स यहां से ऐसे होते हुए नीचे चले जाएंगे ठीक है क्रैंक केस के अंदर चले जाएंगे अब जब ये कंबशन प्रोडक्ट्स क्रैंक केस के अंदर जा रहे हैं इन कंबशन प्रोडक्ट्स के अंदर है क्या वो आते हैं इस कंबशन प्रोडक्ट्स देखो जब फ्यूल बर्न होता है ना जब फ्यूल बर्न होता है तो अभी भी फ्यूल बर्न कर रहा है कंबशन चेंबर के अंदर फ्यूल बर्न कर रहा है उसी टाइम अगर मान लो कुछ फ्यूल के पार्टिकल जो अनबर्न्ट है Complete combustion नहीं हुआ है कुछ अनबर्न फ्यूल पार्टिकल यहां से अंदर एंटर करते हुए यहां नीचे आ जाते हैं तो अनबर्न फ्यूल पार्टिकल जो है वो में जो है, वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल नीचे आ जाएंगे और क्रैंकेस के ऑयल में मिक्स हो जाएंगे जब क्रैंकेस के ऑयल में मिक्स हो जाएंगे तो आपका ऑयल जो होगा बिकम ब्लैक समझ में आ रहा है बिकम ब्लैक क्या आप लोगों ने देखा है जब आप अपनी बाइक की सर्विस करवाने जाते हो अगर आपने एक साल बाद गए हो तो जो नीचे तेल निकलता है वो एकदम काला निकलता है नीचे जो एकदम तेल निकल रहा है वो काला निकल रहा है वो तेल काला कैसे हुआ हाउ हैज दैट बिकम ब्लैक इट इज बिकॉज कंटिन्यूसली अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो है वो नीचे जाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स नीचे हमेशा जाते रहते हैं वो आप कभी भी प्रिवेंट नहीं कर सकते हो ठीक है हंड्रेड परसेंट सीलिंग होने के बावजूद भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे क्रैंक केस में पहुंचते ही रहते हैं अनबर्न कार्बन के ठीक है और उसकी वजह से आपका तेल ब्लैक होता रहेगा जब कभी भी आपको पता करना है कि आपका इंजन सही चल रहा है कि नहीं आपने बाइक का जो नॉब होता है तेल वाला उसको निकाल के देखो हाथ पे वो तेल लेके देखना वेदर दैट इज येलोइ इन कलर और इट हैज बिकम ब्लैक अगर ब्लैक होता जा रहा है इसका मतलब आपकी पिस्टन रिंग्स काम नहीं कर रही समझ में आया क्या समझ में आया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नरेंद्र अग्रवाल मोबिल पूरा मोबिल पूरा ब्लैक हो जाता है वेरी गुड ब्लैक सूट ओके ललित तुम्हारी बाइक के साथ हुआ है अनबर्न पार्टिकल वेरी गुड वेरी गुड गाइस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मजा आ रहा है अरे देख के एकदम रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा लग रहा है ठीक है जानवी आप बोल रहे हो कि पिस्टन रिंग्स कि साउंड से पता चल जाएगा पिस्टन रिंग की साउंड से पता चलता है अगर आपकी पिस्टन रिंग टूट गई है तो अगर आपकी पिस्टन रिंग सही से काम नहीं कर रही है यह नहीं पता चलेगा पिस्टन रिंग अगर टूट गई है तो आपको आराम से साउंड से पता चल जाएगा अगर ऑल ऑफ ए सडन चलते चलते ऑल ऑफ ए सडन अगर चलते चलते आपकी बाइक की आवाज इंक्रीज हो गई है और जो आवाज इंक्रीज हुई है वो ऐसे हो रही है कट 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 ये जो शार्प इंटेंसिटी वाली साउंड है गट, कट 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 जैसे आपने फैन चलाया होगा तो फैन चलाने में कभी कभी एक बहुत ही शार्प नॉइस आती है जब आपके बियरिंग खराब हो जाते हैं बियरिंग में तेल नहीं होता या बियरिंग का लिब्रिकेशन अगर खराब हो जाता है तो बियरिंग जब खराब होने लगता है ड्राई होने लगता है उस टाइम एक साउंड आती है आपके फैन में वो जो साउंड है जो कट 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 वाली वो साउंड अगर आपके इंजन से आ रही है इसका मतलब एक पिस्टन रिंग टूट गया है एंड विल बी वेरी लाउड साउंड धीरे धीरे नहीं होगी इट विल बी वेरी लाउड साउंड ऑल ऑफ ए सडन होगी आपको लग रहा है कि यार कल तक तो मेरी बाइक सही थी बट आज कुछ अलग ही साउंड आ रहा है जब मैं रेस ज्यादा दबाता हूं तो साउंड इनक्रीज हो जाती है रेस कम करता हूं तो कम हो जाती है इसका मतलब आपका एक पिस्टन रिंग गया है जनरली चांसेस बहुत कम रहते हैं कि पिस्टन रिंग आपका टूटेगा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में पिस्टन रिंग टूटता है जनरली बाइक का इंजन हो गया या कार के का इंजन हो गए उनमें पिस्टन रिंग्स कभी नहीं टूटते हैं मोस्टली जो बड़े इंजन हैं डीजल इंजन हैं उनमें पिस्टन रिंग टूट सकता है फ्यूल कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ता है वो सब बाद के इफेक्ट है समझ में आया क्या सबको लोग क्लियर है भैया क्रोमियम इंसर्ट क्लियर है सबको समझ में आ गया यस वेरी गुड वेरी गुड अगर सबको समझ में आ गया तो गाइज एक चीज और बता देता हूं जनरली ये पिस्टन रिंग जो होती है जनरली ये जो पिस्टन रिंग्स होती हैं, जिसको हमने कहा है कि ये कास्ट आयरन का पिस्टन रिंग होता है कभी कभी इस पिस्टन रिंग के ऊपर भी इस पिस्टन रिंग के ऊपर भी हम एक क्रोमियम प्लेटिंग लगाते हैं ओके इसके ऊपर भी हम एक क्रोमियम प्लेटिंग लगाते हैं ठीक है टू प्रिवेंट फ्रॉम to prevent from corrosion, okay? Generally ये top वाली जो compression ring होती है, it sees very high temperature and also corrosive gases. 2500 degree centigrade पे आपकी gases हैं, they will they will be very corrosive. ठीक है, oxygen है, वो हा, इतने high हाँ temperature पे है, nascent form में रहती है, वो आपके materials को corrode कर सकती है, तो उसके लिए कभी-कभी हम यहाँ पे भी एक यहां पे भी आपकी जो पिस्टन होती है उसको पिस्टन रिंग जो होती है उसको भी हम क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं क्लियर है ये ओके वेरी गुड डीआईजी सैम आप बोल रहे हो कि सेकंड पिस्टन रिंग के पास भी तो फैटिग इफेक्ट आएगा ना तो वहां पे एडिशनल मटेरियल क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता है वहां पे इसलिए मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया जाता है अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो बताता हूं क्यों, क्यों यहां पे, नीचे वाले पे इंसर्ट क्यों नहीं डाला जाता ऊपर वाले पे है, में कंबशन चैम्बर में ट्वेंटी होने के कारण आपका जो है, इस के पे जो आएगा, 300 क्योंकि आपका पिस्टन का क्राउन है वो 2500 डिग्री को देख रहा है सो so जनरली जो टॉप मोस्ट रीजन होता है दैट हैज हाइएस्ट टेम्परेचर तीन सौ डिग्री सेंटीग्रेड आपका पिस्टन का टेम्परेचर है बट जैसे ही आप नीचे आ जाओगे यहां पे, यहां पे, पे देखो यहां से कूलिंग हो रही है आपके पिस्टन की आपके पिस्टन की कूलिंग हो रही है तो इस रीजन में टेम्परेचर माइट बी अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली 150 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अब अगर आप अपने मेटीरियल को देखोगे जो आपका पिस्टन का मेटीरियल है वो 300 डिग्री पे और 150 डिग्री पे अगर आप देखोगे ये 300 डिग्री पे जो मटेरियल है दैट विल बिकम सॉफ्टन वो सॉफ्ट हो जाता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं बचती है जितनी ये 150 डिग्री वाले की बचेगी क्लियर है समझ में आ रहा है ठीक है अगर मान लो यहां पे आपका यील्ड स्ट्रेंथ जो है 600 600 एमपीए है अगर यहां पे यील्ड स्ट्रेंथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 600 हंड्रेड एमपीए है जैसे ही आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाओगे इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा रफली टू हंड्रेडी एमपीए ये स्ट्रेंथ है। मतलब आपका मटेरियल 250 सौ मेगा पास के स्ट्रेस पे यील्ड कर जाएगा यहां पे आपका मटेरियल 600 सौ मेगा पासल पे यील्ड करेगा तो ये दोनों टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये वाला ग्रुव जो होगा इट विल बी वेरी सॉफ्ट और यहां पे आपका जो इंपैक्ट लोडिंग होगा वो आपके मटेरियल को जल्दी वो आपके मटेरियल को जल्दी डिफॉर्म कर सकता है नीचे वाला ग्रुप ठंडे रीजन में है आसानी से डिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये स्टील का मटेरियल है स्टील है दूसरा आपका पिस्टन रिंग कास्ट आयरन का है कास्ट आयरन नहीं डिफॉर्म कर पाएगा इसको बट यहां पर हाई टेम्परेचर होने के कारण जनरली वो मेटीरियल भी डिफॉर्म हो सकता है समझ में आया समझ में आया ओके 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 चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस वेरी गुड चलो समझ में आ गया ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हेडिंग डालो देखो भैया बहुत बहुत अब बहुत मजा आने वाला है अब बहुत मजा आने वाला है जो हम डिस्कस करने वाले हैं हेडिंग डालो कंबशन ऑफ फ्यूल कंबसन ऑफ फ्यूएल ठीक है चलो जल्दी से हेडिंग डालो फ्यूएल इज नथिंग बट हाइड्रो कार्बन हमारे जो एसआई इंजन सॉरी हमारे जो आईसी इंजन होते हैं उनका जो फ्यूएल होता है दैट इज मोस्टली हाइड्रो ओके तो इनका हम थोड़ा सा कंबशन अभी देखने वाले हैं चलो जल्दी से मेरे को फटाफट से कोई बता दो कौन मेरे को बताएगा कि हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनको हम एज ए इस्तेमाल करते हैं ऑल हाइड्रोकार्बन ऑल हाइड्रोकार्बन आर देयर जिनको हम इस्तेमाल करते हैं जल्दी से फटाफट से आंसर बताओ कौन कौन से हाइड्रोकार्बन हैं जिनको हम जनरली यूज करते हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मिथेन एथेनॉल एल्कोहल प्रोपेन क्रूड ऑयल वेरी गुड वेरी गुड गाइस देखो जनरली जो हाइड्रोकार्बन यूज किए जाते हैं एज ए फ्यूअल ठीक है नॉट ओनली इन आईसी इंजन एज एज ए फ्यूअल अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोल का अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं ठीक है सबसे पहले अगर देखना चाहोगे दिस सी एच फोर सी एच फोर क्या होता है सी एच फोर क्या होता है मीथेन गैस होती है बट ये कौन से फ्यूल में होती है अगर आपने देखा होगा एल एन जी लिक्विफाइड ठीक है चुरल गैस ठीक है एल एन जी नेचुरल गैस ये नेचुरल गैस जो है इट इज नथिंग बट नाइंटी परसेंट मेथेन एल सुना होगा एल एन जी की एल एन जी वाली बसें चलती हैं ठीक है ऑटोमोबाइल्स में भी इसको यूज किया जाता है दिस इज वन फ्यूएल देन वी हैव सी फोर एच टेन ठीक है दिस इज िस इज एल पी जी सॉरी ये ऊपर वाला है दैट इज नॉट एल एनजी दैट इज सी एनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मेरा रबर कहां इरेजर कहां दिस इज सी एन जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ठीक है नाम सुना होगा बसे चलती हैं सी एन जी की ओके ऑटो वगैरा कार वगैरा में भी आजकल सीएनजी लग रहा है दैट इज मोस्टली मेथेन देन वी हैव सी फोर एस टेन बट देट इज नाथिंग बट ब्यूटेन ब्यूटेन जो है वो आपके हाउस होल्ड यूज के लिए यूज की जाती है एंड दैट इज एल पी जी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ठीक है ये आपके घरों में भी आती है एलपीजी सिलेंडर ठीक है ओके नेक्स्ट इज सी थ्री एच एट इसका जनरली जो नाम होता है दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेन ठीक है प्रोपेन को भी एज ए फ्यूअल यूज किया जा चुका है बहुत सारे इंजेंस में बट सिंस ये प्रोपेन नेचुरली बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो इसको एज ए ज्यादा फ्यूल नहीं हम देखते हैं देन वी हैव पेट्रोल पेट्रोल आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा पेट्रोल इज इज अ कंपाउंड दैट इज ऑल्सो कोल्ड एज गैसोलीन ठीक है और पेट्रोल का जो कंपोजिशन होता है दैट इज रफली अराउंड 80 परसेंट टू 90 परसेंट इज आइसो ऑक्टेन ठीक है पेट्रोल का अगर देखा होगा पेट्रोल इंजन का ऑक्टेन नंबर होता है या पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता है थिंग बट दिसन पेट्रोल के अंदर कितना ऑक्टेन का कंपोजिशन है से थोड़ा सा मैच करता है आगे हम देखेंगे देन वी हैरोसिन कैरोसिन को भी एज ए फ्यूएल यूज करते हैं अगर आपने देखा होगा कैरोसिन जो होता है इसका जो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज व्हाइट कैरोसिन

या फिर टर्बाइन फ्यूल्स के नाम से भी इसको जानते हैं क्लियर है सो दीज आर सम ऑफ द फ्यूल्स और द हाइड्रोकार्बन विच आर एक्चुअली यूज एज विच आर एक्चुअली यूज एज द फ्यूल सी एन जी इज लिक्विफाइड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कोल्ड एल एन जी यस दैट इज कोल्ड एज एल एन जी ठीक है बट जनरली जो आप सी एन जी को देखोगे थोड़ा सा छोड़ो रहने दो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते ठीक है ज्यादा डिटेल में नहीं जाते ओके इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस और उसके बाद में डिपेंड करती है टेम्परेचर पे जो सी होती है दिस इज एट रूम टेम्परेचर बट हायर प्रेशर ठीक है और जो आपकी एल होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस that is roughly stored at around minus 170 degree centigrade at high pressures. जहां बाहर से हम लेके आते हैं जब सी को जब दूसरे देशों से लेके आते हैं तो उस टाइम हम उसको स्टोर करते हैं एट वेरी हाई प्रेशर्स एंड वेरी लो टेम्परेचर आपने सी के शिप्स देखे होंगे या एल के शिप देखे होंगे एक ऐसा शिप होता है ठीक है जिसपे आपने देखा होगा ऐसे तीन चार डोम बने हुए होते हैं ठीक है दीज़ ऐसा अगर कोई शिप है जिसके ऊपर तीन चार डोम बने हुए हैं दीज शिप्स आर बेसिकली एल एनजी कैरियर लिक्विफाइड में आया सबको ये? क्लियर है सो दीज आर द हाइड्रोकार्बन दैट वी एक्चुअली यूज अब अगर आप हाइड्रोकार्बन को यूज कर रहे हो इनको एस ए यूज कर रहे हो तो एक्चुअली में इंजन में क्या होता है इनको हम कंबस्ट करते हैं इनको बर्न करते हैं इनका कंबेशन होता है अगर मैं कंबसन की बात करूं लेट से वी टेक वेरी 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 कॉमन फ्यूल आई एम श्योर आप लोगों ने क्लास में इसका केमिस्ट्री पढ़ा होगा ठीक है सी एच फोर का कंबस होता है तो क्या करते हो इसकी कंबसन इक्वेशन कैसे लिखोगे सी एच फोर को अगर बर्न करना है तो जनरली हम लिखते हैं सी एच फोर इसको अगर आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दी तो ये जो है ये कंबशन प्रोडक्ट बनाएगा कंबशन प्रोडक्ट में बन जाएगा एक तरफ इसका सीओ टू एंड बी एच टू ओ ठीक है इसको बैलेंस करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं सी सी है एच टू एच फोर हो गया एंड देन दिस इज ओ टू एंड ओ टू सो दिस बिकम्स टू ओ टू ठीक है सो सी एच फोर दो ऑक्सीजन के साथ में एंड देन इट विल रिलीज एनर्जी क्या यही आपने ग्यारहवीं क्लास में पढ़ा है अरे सब लोगों ने ग्यारहवीं क्लास में ये पढ़ा है इक्वेशन बैलेंस करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पढ़ा होगा आज देखो उसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं डिटेल में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली में ये प्रोसेस होता कैसे है ठीक है तो आपने क्या किया मिथेन मिथेन को आपने ऑक्सीजन दे दी ऑक्सीजन देने पर यह बाढ़ किया इसने CO2 और H2O और रिलीज किया और उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज की और ये एनर्जी है दिस इज यूटिलाइज ठीक है दिस इज यूटिलाइज टू डू वर्क ओके आपके इंजन में क्या हो रहा है अगर आपके इंजन में आपने मिथेन डाल दी है उसको बर्न किया है तो मिथेन जो एनर्जी रिलीज करेगी उस एनर्जी को जो सराउंडिंग एयर है वो ले लेगा वो सराउंडिंग एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा उसके प्रेशर इंक्रीज होने के कारण पिस्टन आपका नीचे जाएगा और आपका वर्क एक्सट्रैक्ट होगा तो बेसिकली जो थर्मल एनर्जी है दैट इज गेटिंग इनटू मैकेनिकल वर्क और थर्मल एनर्जी कहां से आई है बाय बर्निंग ऑफ योर हाइड्रोकार्बन ठीक है तो अब ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा इसको समझते हैं देखो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है देखो चलो इधर सबसे पहले आ जाते हैं इसके प्रोसेस को समझते हैं अगर इसके प्रोसेस को समझोगे तो आपके पास में सी एच फोर है लेट से दिस इज माई सी एच फोर और इसको आपने प्रोवाइड करवा दी है ऑक्सीजन और ये आगे कंबशन में जाएगा यही होना है अगर मान लो आपके पास में ये सी एच फोर है रूम टेम्परेचर पे ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज ऑल्सो एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड क्या इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या अपने आप कंबशन हो जाएगा जल्दी बताओ अगर मान लो आपके पास में ये 20 डिग्री पे मेथेन थी 20 डिग्री पे ऑक्सीजन रखा हुआ है दोनों को आपने एक कंटेनर में डाल दिया ये ये एक ऐसा कंटेनर था जिसके अंदर आपने यहां पे रखा हुआ था सी एच फोर और यहां पे रखा हुआ था ऑक्सीजन फिर आपने क्या किया बाहर से इस दीवार को तोड़ दिया ये दीवार टूट गई खत्म हो गई ठीक है चिथड़े चिथड़े उड़ गए इसके आपने इसको खत्म कर दिया जब इसको खत्म कर दिया तो अब आपका दोनों मिक्स हो जाएगा और जब दोनों मिक्स हो जाएगा क्या ये कंबशन होगा यहां पे क्या ये कंबशन होगा नो 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 नहीं वेरी गुड वेरी गुड गाइस क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा यहां तो करवाया यहां तो करवाया आपने क्या लिखा है सीएच फोर ऑक्सीजन दे दो कंबशन हो जाएगा ये बहुत आसान सी इक्वेशन है रियल लाइफ ऐसे नहीं चलती है रियल लाइफ ऐसे नहीं चलती है रियल लाइफ के लिए आपको कुछ और करना पड़ता है देखो हमने कहा है कि यह कंबशन होना है कंबशन होने के बाद में आपका सीओ टू प्लस टू एच टू प्लस डेल्टा एनर्जी रिलीज होगा बट ये जो प्रोसेस है डेल्टा एनर्जी रिलीज होने वाला दिस इज नॉट प्रोसेस अगर आपको कंबसन करवाना है किसी प्रोडक्ट का तो वो कंबशन कैसे बढ़ेगा देखो यहां पे कार्बन है कार्बन से चार हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग बना के रखी है अब इस कार्बन को बॉन्डिंग बनानी है ऑक्सीजन के साथ में यहां पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है यहां पे इसको ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग बनानी है क्या करना पड़ेगा देखो भैया ये हमारे भाई साहब कार्बन है इन्होंने हाइड्रोजन के साथ में शादी कर रखी है चार फेरे लिए हुए हैं बट इनको पसंद है ऑक्सीजन यहां पे ये ऑक्सीजन खाली बैठी है और ये भाई साहब हाइड्रोजन के साथ में बैठे हुए हैं और दोनों आपस में नैन मटक्का कर रहे हैं कि कैसे 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 हम हाइड्रोजन को भगा दें और यहां पे दोनों शादी मना ले क्या करेंगे क्या करना पड़ेगा इनको ये कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये ऐसे ही ये, ये हाइड्रोजन जो है ये ऐसे ही तो छोड़ के नहीं भाग जाएगी कार्बन को और बोलेगी जा तू जी ले जिंदगी इतना आसानी से तो नहीं जाने देगी ये क्या करेगी रिवोल्ट करेगी ये इसको पास में नहीं आने देगी मतलब क्या है अगर ये कार्बन है इसको ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो ये हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली छोड़ देगा और ऑक्सीजन को आने देगा ऐसा नहीं होता है जनरली हमें क्या करना पड़ेगा अगर इस कार्बन को इस ऑक्सीजन से शादी करवानी है तो पहले कार्बन और हाइड्रोजन का तलाक करवाना पड़ेगा आसान भाषा में तलाक, तलाक 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 ऐसा नहीं होगा यहां पे, ठीक है तलाक 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 ऐसा नहीं होगा यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी इसका मतलब मेहनत कैसे करोगे मेहनत कैसे करोगे मेहनत करने के मेहनत करने का मतलब होता है कि आपको जब आपको यह कंबशन करवाना है तो आपको इन बोन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा सम हाउ इन बोन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा अगर ये चारों बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी जाके आपकी ऑक्सीजन के पास मौका है कि भैया ये सिंगल हो गया है रेडी टू मिंगल हो गया है अब जाके मैं इस पे धावा बोल देती हूं ठीक है ऐसा ही होगा तो ये कार्बन को पहले फ्री करवाना पड़ेगा इस पे जितने भी बॉन्डेज हैं उनको खत्म करना पड़ेगा और अगर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग की हुई है अगर शादी की हुई है दोनों ने तो आसानी से तो कार्बन छोड़ेगा नहीं ना आसानी से हाइड्रोजन छोड़ेगा क्या करना पड़ेगा हमें एक्चुअली में तोड़ने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी हम एक्चुअल में क्या करते हैं यह जो मेथेन है इसको पहले थोड़ी एनर्जी देते हैं जब इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इसका कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया अब ये कार्बन भी फ्री है हाइड्रोजन भी फ्री है अब ये किसी और के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं और उसी टाइम ये जो पहली ऑक्सीजन होती है ये इधर धावा बोल देती है दूसरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे धावा बोल देती है और दोनों अलग अलग बॉन्ड बना लेते हैं और अलग अलग चले जाते हैं तो अगर आपको कंबशन करवाना है तो सबसे पहले आपको इस मेथेन को एनर्जी देनी पड़ेगी तभी जाके आपका कंबशन शुरू होगा वरना कंबशन आपका नहीं शुरू होगा कार्बन किसी को ढूंढेगा कि हाइड्रोजन उसके साथ भाग जाए हाइड्रोजन भी भाग जाएगी लेकिन हाइड्रोजन भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहती है ना ये कार्बन अपना नाम खराब करना चाहता है ना हाइड्रोजन अपना नाम खराब करना चाहती है तो दोनों में से शुरुआत कोई नहीं करेगा तो बाहर से तीसरे बंदे को दोनों के बीच में लड़ाई लगवानी होगी ठीक है ठीक है ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस ठीक है समझ में आया तो हमें ये बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी अब ये बाहर से एनर्जी कैसे देते हम एक्चुअली बाहर से आप एनर्जी कैसे देते हो ठीक है तो बाहर से एनर्जी देने का प्रिंसिपल अगर हमें समझना है तो अगर आप देखना चाहो लेट्स आपके पास में सी एच फोर है ठीक है दिस इज योर सी एच फोर यह आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है मान लो एक कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लेट्स से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यू नीड 100 जूल्स ऑफ एनर्जी आपको सो जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी है एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तो आप क्या करोगे आप इसको एनर्जी दोगे एनर्जी कैसे दोगे किसी भी चीज को एनर्जी कैसे दी जाती है अगर आपने किसी चीज को एनर्जी दी है तो उस चीज का क्या हाल होगा मान लो आपके पास में यह सब्सटेंस है यह मिथेन भरा हुआ था इसके अंदर सी आपने इसको एनर्जी दे दी क्या होगा क्या कहती है अगर इसके पास में एनर्जी आ गई है इसके पास में अगर बाहर से एनर्जी क्यों आई है अगर मान लो क्यों बाहर से एनर्जी आई है इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा और इसका अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ गया इसका इंटरनल एनर्जी इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अगर आपको देखना है कि, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी कैसे देते हैं तो जनरली उसका टेम्परेचर बढ़ा दो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया है इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होगी इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी जब बाहर से आप एनर्जी दे रहे हो गिथेन तो को अगर आपको तोड़ना है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना है यह 100 जूल एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ेगी और 100 जूल एनर्जी आप देते कैसे हो बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो लेट्स से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका मिथेन पड़ा था आपने इसका टेम्परेचर कर दिया हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड जब आपने इसका टेम्परेचर के हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो लेट से आपने इसको 40 किलो जूल या 40 जूल या एनर्जी दे दी जब एनर्जीचर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड किया तो इसके पास में यहां पे एक बॉन्ड के पास में 40 जूल एनर्जी आ गई मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के पास में अब 40 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा है बट आपको तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 100 जूल चाहिए अभी आपने कितनी दी है सिर्फ 40 जूल तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं क्यों क्योंकि आपने 40 जूल ही दिए तो क्या करना पड़ेगा और एनर्जी देनी पड़ेगी तो आपने क्या किया इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपने इसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तब इसके पास में लेट से एनर्जी हो गई एटी जूल जब आपने टेम्परेचर दो किया तो हर 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 बॉन्ड को आपने एटी जूल एनर्जी दे दी क्या अब ये बॉन्ड टूटेगा क्या अब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं अभी भी नहीं टूटेगा क्यों क्योंकि अभी भी एनर्जी कम है जब तक 100 जूल एनर्जी नहीं मिलेगी ये बॉन्ड नहीं टूटेगा बोलेगा भैया जाऊंगी नहीं तेरी सैलरी का 25 परसेंट चाहिए तभी छोड़ के जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी तू अगर 24 भी देगा तो भी नहीं जाऊंगी क्लियर है तो ये 80 जूल पे भी नहीं टूटेगा आपको क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा तो लेट से आपने 280 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जब आपने 280 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तब आपने लेट्स से 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दी। जब आपने 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दी अब अब ये दोनों अलग आराम से हो सकते हैं क्यों क्योंकि इनके पास में सफिशियंट एनर्जी है ये दोनों अपना बॉन्ड तोड़ सकते हैं और अपने अपने रास्ते जा सकते हैं तो अगर आपको मीथेन का कंबशन करवाना है अगर आपको मीथेन के बॉन्ड तोड़ने हैं तो इस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर आपको 280 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा अगर आपने 280 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो ये यह इसके जाएंगे टूट और अब आपकी ऑक्सीजन जो है वो फ्रीली इस पे भी धावा बोल सकती है और इस पे भी धावा बोल सकती है और दोनों अब ऑक्सीजन के साथ मिलके एक सीओ टू बना लेगा एक एच बना लेगा और ऐसे आपका कंबशन होता है कितने लोगों को समझ में आया बहुत खर्चा है रे बाबा देवा रे देवा उठा ले उठा लो भैया इनको उठा लो एक तो ये मैकेनिकल में आके दुखी हैं ठीक है ऊपर से खर्चा बहुत तो हो रहा है तो दुखी है ठीक है समझ में आया क्लियर है क्या सबको ये अरे क्लियर है क्या क्लियर है जल्दी से तम सब दिखाओ तम सब दिखाओ हम सब दिखाओ जल्दी से समझ में आया सबको कंबशन ऐसे होता है कोई भी फ्यूल हो अगर आपके पास में पेट्रोल है चाहे डीजल है चाहे कुछ भी हो जब तक उसके हर पार्टिकल का ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तब तक वो बर्न नहीं करेगा जैसे ही ये टेम्परेचर पहुंच जाता है तब जाके इसके ब्रेड इंटरनल बोन्स जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं और फिर ऑक्सीजन अटैक करती है और फिर कंबशन होता है तो जनरली ये कंबशन जो होगा वो इन टेम्परेचर से नीचे नहीं होगा क्लियर है समझ में आया ओके वेरी गुड अगर यह समझ में आया तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे एक्चुअल जब कंबशन में जाते हैं एक्चुअल जब कंबशन में गए तो मेरे पास में जब मेथेन थी से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्यूल रखा हुआ था जब मेरा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्यूल रखा हुआ था उसके बाद में जब मैं कंबशन करवाने गया तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज करते चला गया हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन लेट से 300 हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे ऐसे में टेम्परेचर इंक्रीज करवाते चला गया और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे थे और सर्टेन फ्यूल्स मैंने यहां पे कुछ अजीबो गरीब फिनोमिना देखे फ्यूल्स के लिए जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके लिए मैंने कुछ अजीबो गरीब फिनोमिना देखे वो फिनोमिना जो होते हैं दे आर एक्चुअली ऑफ थ्री टाइप कुछ ऐसे फिनोमिना थे जो तीन कैटेगरी के, के थे ठीक है पहला जो फिनोमिना था दैट वॉज कॉल्ड एज फ्लैशिंग ठीक है और फ्लैशिंग जो थी इससे रिलेटेड हमने एक पॉइंट डिसाइड किया एंड दैट इज कॉल्ड एज द फ्लैश पॉइंट दूसरा जो फिनोमिना दिखा दैट वॉज एट द फायर पॉइंट एंड जो तीसरा फिनोमिना था दैट वाज ऑटो इग्निशन ठीक है ये तीन फिनोमिना हमको देखने को मिले जब भी कोई फ्यूल को मैं कंबशन करवाने गया तो ये तीन फिनोमिना मुझे देखने को मिले इन तीनों फिनोमिना को हम एक्चुअली में समझते हैं कि होता क्या है क्लियर है इन तीनों को अलग अलग करके देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है व्हाट इज फ्लैश पॉइंट वॉट इज फायर पॉइंट वॉट इज ऑटो इग्निशन पॉइंट या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर समझ में आ रहा है अरे समझ में आ रहा है क्या ये तीनों तो देखे होंगे कभी कब आपने ठीक है देखो देखो भैया ये तीनों पॉइंट हैं ये जो तीनों चीज है जो लोग बीच में छोड़ के भागने वाले हैं ठीक है बहुत सारे लोग हैं जो बीच में आते जाते रहते हैं दस मिनट रुक जाओ जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे व्हाट इज फ्लैश पॉइंट व्हाट इज फायर पॉइंट व्हाट इज ऑटो इग्निशन टेम्परेचर और इसके बाद में आई एम श्योर आप दूसरों को भी बताओगे कि हां भैया फ्यूल कहां पे पड़ा हुआ है इस टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं तीनों ये तीनों फ्लैश फायर ऑटो इग्निशन इन तीनों से ठीक है तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज फ्लैश पॉइंट व्हाट इज फायर पॉइंट

This is your ज योर फ्यूल ओके आपका ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है आपका फ्यूअल आपको इसको बर्न करना है आपके पास में मान लो कैरोसिन है घर में कैरोसिन रखा रहता है आपके पास में कैरोसिन रखा हुआ और इस कैरोसिन को आप बर्न करना चाहते हो तो केरोसिन को जब बर्न करना है आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर केरोसिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसको अगर मुझे बर्न करना है तो क्या करना होगा उसको जब बर्न करना शुरू करोगे तो उसके लिए आपको पहले उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो लेट्स से मैं इसको एनर्जी सप्लाई करता हूं आई एम प्रोवाइडिंग सम डेल्टा क्यू टू दिस फ्यूल जब मैंने इसको थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई की क्या होगा इसका टेम्परेचर अभी ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड है मैं इसको एनर्जी सप्लाई करूंगा क्या होगा मैं इसको अगर एनर्जी सप्लाई करूंगा तो क्या होगा जल्दी बताओ क्या इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा लेट से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एंड नाउ इट हैज गोन टू सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया से मैंने थोड़ी सी और एनर्जी सप्लाई की मैंने और दिस इज योर डेल्टा क्यू वन मैंने और डेल्टा क्यू टू दी थोड़ा सा और दिया तो इसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हुआ और लेट से इसका टेम्परेचर हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड जब ये प्रोसेस हो रहा है जब ये प्रोसेस हो रहा है जब ये प्रोसेस हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जनरली ये जो आपका लिक्विड सरफेस है इस पर आपको देखने को मिलेगा कि अराउंड टेम्परेचर विचार वन ट्वेंटी डिग्री वन फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड आपके यहां से कुछ यहां से आपके कुछ वैपर्स निकल रहे हैं ऐसा होता है क्या यहां पे आपके वेपर्स निकल रहे हैं ऐसा होता है समझ में आ रहा है अभी देखो बोंड ब्रेक नहीं हो रहे अभी बोंड देखना ब्रेक नहीं हो रहे लेट्स से ये कैरोसिन का जो लिक्विड पार्टिकल थे लिक्विड पार्टिकल है यहां पे ये जो फ्यूल है लेट से ये लिक्विड है जब आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ है अभी इसके बोन्स नहीं टूटे हैं अभी वो टेम्परेचर आया ही नहीं है जिस पे इसका जिस पे इसका एनर्जी इतना ज्यादा हो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बोन टूट जाए नहीं अभी इसने सिर्फ वेपोराइज करना शुरू किया है तो जनरली अगर आप देखोगे तो आपका एक छोटा सा पार्टिकल वेपर बन गया यहां पे एक पार्टिकल वेपर बन गया ये पार्टिकल वेपर बन गया छोटे छोटे फ्यूल के पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर बनना शुरू होते हैं तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो जब आप एनर्जी देते हो तो आपके एक्चुअली में पार्टिकल्स पहले वेपर में कन्वर्ट होते हैं अगर इस वेपर को ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे था इसके वेपर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं। अगर आपको इस फ्यूल को बर्न करना है तो जनरली जब कभी भी फ्यूल को बर्न करना होता है फ्यूल सिर्फ गैसियस फेज में बर्न करता है दुनिया का कोई भी फ्यूल होगा न्यूक्लियर फ्यूल को छोड़ दो दुनिया का कोई भी फ्यूल होगा वो तभी बर्न करेगा जब वो गैसियस फेज में प्रेजेंट है जब उसके सिंगल सिंगल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तभी वो बांड करेगा आप अगर देखोगे सॉलिड फ्यूल है जो आपका सॉलिड फ्यूल है जो लकड़ी है लकड़ी को जब आप जलाना शुरू करते हो तो एक्चुअली में वो सॉलिड नहीं बर्न करती है वो लकड़ी पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है लिक्विड से वो फिर गैस में कन्वर्ट होती है और जब उसका गैसेस फेज आ जाता है फिर ये बर्न होती है कोई भी फ्यूल जो होता है इट विल ऑलवेज बर्न ओनली इन अ गैसेस फेज चाहे सॉलिड फ्यूल हो चाहे लिक्विड फ्यूल हो या गैसेस फ्यूल हो बर्न सिर्फ गैसेस फेज में ही करेगा जो वुड होती है वुड जब वेपोराइज करती है वुड का जो सरफ़ेस होता है वुड का जो सरफ़ेस होता है कभी भी उस सरफ़ेस पे आग लगी हुई नहीं होती है अगर आपने देखा होगा वुड का जो सरफ़ेस होता है अगर ये ऐसे लकड़ी है तो जब आग लगी होती है आग इस रीजन में लगी होती है इस पूरे इस रीजन में दिस इज द फायर कभी भी देखना लकड़ी को ऐसे उठा के देखना लकड़ी को उठा के देखना अपने लेवल में से आपको पता चलेगा कभी भी यहां पे आग नहीं होती है यहां पे इस सरफेस पे कभी भी आग नहीं होती है आग जो लकड़ी में लगती है वो सरफेस से थोड़ा सा दूर हटके ये दूर हटके क्यों हो रही है एक्चुअली में क्या होता है यहां पे एनर्जी ये 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 जो बर्निंग हो रही है ये एनर्जी प्रोवाइड करती है इसको जब इस वुड को एनर्जी प्रोवाइड करवाई जा रही है ये सॉलिड वुड जो है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसके बाद गैस में कन्वर्ट होती है जब वो गैस में कन्वर्ट होती है तो यहां से उठ के बाहर जाती है यहां पे गैसियस फेज में जाती है और गैसियस फेज में जाने के बाद ये बर्न करती है तो कोई भी फ्यूल होगा चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो इट विल ओनली बर्न इन गैस फेज जब उसके सिंगल सिंगल पार्टिकल हो जाएंगे ये जैसे मिथेन है मिथेन अपना सिंगल पार्टिकल है गैसेस फेज में है बट जितने भी लिक्विड फ्यूल्स हैं पेट्रोल हो गया कैरोसिन हो गया कैरोसिन अगर लिक्विड फेज में प्रेजेंट है कैरोसिन के अंदर आप तिल्ली डाल दो माचिस की तिल्ली जो होती है अगर आपका आपका यहां पे कैरोसिन रखा हुआ है ऐसे ठीक है आपने ली इसको बर्न किया और इसको इसके अंदर डाल दो कैरोसिन कभी आग नहीं पकड़ेगा कभी भी आग नहीं पकड़ेगा कैरोसिन तभी आग पकड़ेगा जब आपने ये तिल्ली यहां पे रखी हुई है और जब ये बर्न करेगा तो सिर्फ इसका सरफेस बर्न करेगा सरफेस पे से बर्निंग होगी कभी भी यहां पे बर्निंग नहीं होगी क्यों क्योंकि अभी भी वो लिक्विड फेज में है सरफेस जो होता है इस पे से वेपर्स निकलते हैं और वो वेपर्स यहां पर जाके बर्न करते हैं तो हमेशा फ्यूल गैसेस फेज में बर्न होगा अगर वो फ्यूल गैसेस फेज में बर्न हो रहा है तो पहले जनरली लिक्विड या सॉलिड या जो भी फ्यूल है उसके वेपर्स बनेंगे और वेपर्स बनने के बाद में जब आप इन वेपर्स को एनर्जी सप्लाई करोगे डेल्टा क्यू थ्री आपने पहले डेल्टा क्यू वन दिया तो इसका टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री था सेवेंटी डिग्री हो गया जब आपने इसको क्यू टू दिया तो 70 से 120 आया 120 आने पर ये वेपर फेज में आ गया और जब आपने इसको Q3 दिया तब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके लेट से हो गया 280 डिग्री सेंटीग्रेड और जब इसका टेम्परेचर 280 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तब ये अपने उस टेम्परेचर पे आ गया है जहां पे जाके जहां पे जाके इसके बोन्स टूटेंगे और ये बर्न करना शुरू होगा समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है क्या क्लियर है अरे भैया क्लियर है मतलब जब चाहे कोई भी हो आदमी मर जाए उसकी लकड़ी उसकी लकड़ी जले या कुछ भी हो सिर्फ गैसियस फेज में ही बर्न करेगा आज ध्यान में रख लो कोई भी बर्निंग होगी वो सिर्फ गैसेस फेज में होगी गैसेस फेज से पहले नहीं बर्न होगी क्लियर है आपने देखा होगा लकड़ी का जो फ्यूल होता है जो लकड़ी बर्न करना होता है उसके लिए आप क्या करते हो पहले बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हो देखो इधर आपके पास में तीन फ्यूल हैं सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में से सबसे आसान बर्न करना किसको है ब्यूटेन है आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर है एलपीजी सिलेंडर में जो गैस रखी हुई है वो लिक्विड फेज में है उसको गैस फेज में आने के बाद आप बर्न करते हो एलपीजी है उसमें जैसे ही आपने लाइटर लगाया वो आग पकड़ लेती है सबसे आसान गैस को बर्न करना है लिक्विड है लिक्विड आपका कैरोसिन है या फिर आपका डीजल है या फिर पेट्रोल है उनको बर्न करना इतना आसान नहीं है आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और आपको सॉलिड जो लकड़ी है लकड़ी को तो बर्न करना शुरू करने के लिए ही आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है है कि नहीं ठीक है सो so, यहां पे ये डिफिकल्ट है सबसे ज्यादा ये थोड़ा सा आसान है एंड दिस इज द इजीएस्ट क्यों क्योंकि यहां से यहां तक जाने के लिए और यहां से यहां तक जाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है तो जब फ्यूल है हमें सिर्फ एनर्जी उतनी ही देनी है जितना इसको बर्न करने के लिए चाहिए लेकिन लिक्विड फ्यूल है तो लिक्विड फ्यूल को पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको हीट ऑफ वेपोराइजेशन देना पड़ेगा वो एनर्जी देने के बाद इस फ्यूल को थोड़ा और एनर्जी दोगे तब ये बर्न करेगा बट यहां सॉलिड वाले भाई साहब को तो पहले आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर लिक्विड से गैस में जाना पड़ेगा फिर एनर्जी देनी पड़ेगी तो आपका फ्यूल बर्न होगा क्लियर है ये <hans> <laughs> समझ में आया ठीक है वेरी गुड तो अब अगर आप देखना चाहो हम वापस से यहां पे आते हैं अगर आपके फ्यूल की बर्निंग है तो जनरली फ्यूल इट पास थ्रू मैनी स्टेजेस ये लिक्विड था ये वेपर में आया वेपर में जाने के बाद में अब ये बर्न करना शुरू होगा तो इसके तीनों स्टेज को अब हम देखना शुरू करते हैं इसके जो तीनों स्टेज है वेपर में कन्वर्ट हो गया उसके बाद में क्या हो रहा है उसको हम देखना शुरू करते हैं ठीक है तो लेट से हमारे पास में से हमारे पास में वापस से मैं कंटेनर बनाता हूं ठीक है वापस से मैं कंटेनर 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 बनाता ओके ओके मेरा था, इस तेनर तेनर था। दिस इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ था ठीक है इस कंटेनर के अंदर मेरा लिक्विड भरा हुआ था और इस लिक्विड के ऊपर जब मैंने एनर्जी सप्लाई की तो इसके वेपर्स बनना शुरू हो गए ठीक है देखो जब मेरा लिक्विड ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे था जब मेरा लिक्विड ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे था तो मैंने जो इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड की अगर मेरा लिक्विड ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे था तो मैंने एनर्जी प्रोवाइड की कितनी चालीस जूल ठीक है आपने जब इसको चालीस जूल एनर्जी प्रोवाइड की तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया सेवेंटी सेवेंटी पे आपने फिर से इसको चालीस जूल एनर्जी प्रोवाइड की तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया 200. ठीक है यही हुआ था अरे ये वाला एग्जाम्पल याद है क्या यह वाला एग्जाम्पल देखो इधर मान लो ये फ्यूल था इसमें आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था 20 डिग्री पे आपने जब एनर्जी सप्लाई की अच्छा 100 हो गया था ठीक है 100 हो गया था जब आपने 40 जूल एनर्जी दी फिर आपने 200 पे किया तो 80 जूल हो गया था फिर आपने 280 टेम्परेचर किया तो 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड हुई थी ठीक है तो ये अगर आप टेम्परेचर देखना चाहो मान लो आपका फ्यूल था ट्वेंटी 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर आपने 40 जूल की तो इसका टेम्परेचर 200 आ गया और 200 आने पर इसके पास में अस्सी जूल एनर्जी थी और अब आपने इसको बीस जूल और सप्लाई की तब इसका टेम्परेचर हो गया 280 डिग्री सेंटीग्रेड और 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्न कर गया 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्न कर गया क्या ऐसा ही हुआ था क्या ऐसा ही हुआ था ठीक है तो देखो इस प्रोसेस को ये जो प्रोसेस यहां चल रहा है इस प्रोसेस को हम यहां पे समझते हैं मान लो आपका फ्यूल था उसका बीस डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर इसका बीस डिग्री टेम्परेचर था इसको आपने एनर्जी डेल्टा क्यू दी जब आपने डेल्टा क्यू दी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तब इसके पास में 40 जूल एनर्जी थी फिर आपने इसको और एनर्जी दी 40 जूल तो इसके पास में टोटल 80 जूल एनर्जी हो गई और ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठा है तो लेट्स से आपका वेपर यहां पे जो है यहां पे जो वेपर है नाउ दिस इज हैविंग 200 जूल एनर्जी सॉरी 80 जूल एनर्जी दिस इज हैविंग एटी जूल एनर्जी ओके एंड इट इज एट टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर है समझ में आ रहा है <coughs> समझ में आ रहा है ये इसके पास में अस्सी जूल एनर्जी है और यह दो सौ डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठा हुआ है लेट से यहां से आपके एक दो तीन और चार यहां पे आपके पास में ऊपर चार वेपर्स प्रेजेंट हैं ठीक है चारों वेपर्स 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं देखो अभी अभी नीचे किताब रख दो ठीक है नोटबुक रख दो अभी पहले इसको समझो समझ लो फिर फिर इसको लिख लेना आराम से मैं पांच मिनट दे दूंगा लिख लेना ठीक है इसके पास में अस्सी जूल एनर्जी है टेम्परेचर इसका दो डिग्री सेंटीग्रेड है सारे वेपर्स प्रेजेंट है सारे वेपर्स हैं सबके पास में इसके पास भी अस्सी है 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 चारों के पास अस्सी अस्सी जूल रखी हुई है अब आपने क्या किया बाहर से आप आए बाहर से आप आए आप एक मैच स्टिक लेके आए आप बाहर से आए मैथस्टिक लेके आए ठीक है यह तेल है इसके ऊपर वेपर्स थे वेपर्स के पास में आप मैट स्टिक लेके आए जब आप मैथस्टिक लेके आए तो यह मैथस्टिक वाली जो भाई साहब है यह मैथस्टिक जो है यह एक्चुअली में क्या करता है यह मैथस्टिक इसको एनर्जी दे देता है डेल्टा यू इज इक्वल टू ट्वेंटी जूल इस मैथस्टिक ने इस वाले मोलिक्यूल को 20 जूल एनर्जी दे दी यह मैथस्टिक जो थी ये आप इसके पास में लेके आए मैथस्टिक क्या है मैथस्टिक इज नथिंग बट इट इज अ बर्निंग कोई भी सब्सटेंस बर्न कर रहा है जब वो बर्न कर रहा है इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है ठीक है इट इज रिलीजिंग एनर्जी आपने तिल्ली लगाई है दिल्ली जब बर्न करती है तो ये एनर्जी रिलीज करती है तो लेट से वो एनर्जी रिलीज कर रही है और उसने बीस जूल एनर्जी रिलीज की और अरे ये, ये सबको दिखाई, सब दिखाई दे रहा है या थोड़ा डार्क कर दू इसको दिस इज पार्टिकल नंबर थ्री इसने डेल्टा यू इज इक्वल टू ट्वेंटी जूल एनर्जी दी दिखाई दे रहा है ये सबको समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है तो जब आपने ये बीस जूल एनर्जी दी ये पार्टिकल नंबर थ्री जो था ये वाला पार्टिकल इसके पास में कितनी एनर्जी थी अस्सी जूल इसके पास में ऑलरेडी बैठी थी ठीक है और अब आपने पार्टिकल थ्री को 80 जूल इसके पास में ऑलरेडी बैठी थी अब आपने इस पार्टिकल को 20 जूल एनर्जी और दे दी तो ये क्या करेगा ये पार्टिकल थ्री है इसको आपने 20 जूल एनर्जी दी तो ये क्या करेगा इस पार्टिकल के पास में ऑलरेडी 80 जूल एनर्जी थी आपने इसको 20 और दे दी इसके पास में हो गई 100। जैसे ही इसके पास में 100 हुई इसके बोन्ड टूट गए जैसे इसके बोन्ड टूटे बाहर इसके बाजू में विसिनिटी में चारों तरफ यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट थी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उस ऑक्सीजन ने उस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल पे अटैक किया उस हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल पे जब अटैक किया तो इस 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 पार्टिकल ने इस पार्टिकल ये पार्टिकल जो था ये बर्न हुआ और जब ये पार्टिकल बर्न हुआ इसने एनर्जी रिलीज की ये बर्न हुआ बर्न हुआ ये बर्न हुआ ठीक है और इसने एनर्जी रिलीज की जब इसने एनर्जी रिलीज की लेट से इसने 200 जूल एनर्जी रिलीज की इसने 200 जूल एनर्जी रिलीज की वो 200 जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कहां जाएगी ये पार्टिकल बर्न हुआ इसने 200 जूल एनर्जी रिलीज की वो एनर्जी रिलीज क्या चारों तरफ क्या वो चारों तरफ ऐसे डिसिपेट होगी वो 200 जूल पार्टिकल बर्न हुआ है जब बर्न होता है तो एनर्जी चारों तरफ जाती है सारे डायरेक्शन में जाएगी जितनी दिशाएं उतनी डायरेक्शन में सब तरफ फैलेगी और वो एनर्जी जो रिलीज हुई है लेट से ये 200 जूल एनर्जी रिलीज हुई है ये जब डिसिपेट कर रही थी तो चारों तरफ सब डायरेक्शन में डिसिपेट कर रही थी और जब ये एनर्जी डिसिपेट हुई लेट से इस पार्टिकल को 10 जूल एनर्जी मिली इस पार्टिकल को 10 जूल एनर्जी मिली ये नीचे वाले पार्टिकल को भी 10 जूल एनर्जी मिली इसके आजू बाजू में 20 ऐसे पार्टिकल रखे हुए थे जिनको 10, 10, 10, 10, 10 जूल एनर्जी मिली क्या होगा क्या हो जाएगा सारे पार्टिकल जिनके पास में 80 जूल एनर्जी थी अगर उनको 10-10 और आपने दे दी तो सबके पास में नब्बे 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 हो जाएगी मतलब यहां पे जितने भी पार्टिकल हैं सबके पास में 90 जूल एनर्जी होगी और अगर पार्टिकल के पास में नब्बे जूल एनर्जी है तो क्या वो बर्न करेगा पार्टिकल के पास में अगर 90 जूल एनर्जी है तो क्या वो बर्न करेगा नहीं करेगा तो इस पूरी सिचुएशन को अगर आप ऐसे टेलीस्कोप लगा के देख रहे थे कि क्या हो रहा है भैया ये ऐसे टेलीस्कोप लगा के देखे आपने बाहर क्या हो रहा है तो आपको क्या नजर आएगा आपको नजर आएगा कि एक रखा हुआ था उसके वेपर्स उड़ रहे थे आपने एक तिल्ली लेके आए जब आप इसके पास में तिल्ली लेके आए तो आपने देखा कि इस तिल्ली के आजू बाजू एक दो पार्टिकल बर्न कर रहे हैं एक दो पार्टिकल बर्न कर रहे हैं ऐसे बर्न किए और फिर खत्म जैसे ही आपने ये तिल्ली हटा ली आपने देखा कि यहां पर सारे पार्टिकल्स बर्न नहीं कर रहे हैं वेपर्स प्रेजेंट है वेपर्स प्रेजेंट है तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्लैशिंग 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 मतलब क्या होता है अगर आपके पास में कोई फ्यूल प्रेजेंट है आप बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लेके आते हैं तो उस एक्सटर्नल सोर्स के आसपास जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो फ्लैश करते हैं वो बर्न करते हैं बट सिर्फ वही बर्न कर रहे हैं जो उसके बाजू में है जो इसकी विसिनिटी में है आसपास वाले पार्टिकल नहीं बर्न कर रहे हैं और जैसे ही आप इसको हटा दोगे आप देखोगे कि कुछ भी बर्न नहीं कर रहा है यह जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड एज फ्लैशिंग, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैशिंग समझ में आया क्या समझ में आया क्या क्लास की टाइमिंग बता दे विनीत राणा विनीत राणा तुम तो बहुत पहले से हमारे ग्रुप में हो तुम्हें तो पता होना चाहिए था समझ में आया क्या सबको ये? ये जो प्रोसेस होता है दिस इज एस फ्लैशिंग क्लियर है तो अब अगर मैं आपको बताना चाहूं या मैं देखना चाहूं मैं देखना चाहता हूं कि ये फ्लैशिंग कब हुई है तो क्या यह फ्लैशिंग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुई है यहां पे आपके फ्यूल का टेम्परेचर था 200 डिग्री सेंटीग्रेड जब मैं इसके पास में तिल्ली लेके आया तो पार्टिकल्स फ्लैश करना शुरू हुए तो यह जो टेम्परेचर होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज कॉल्ड एज द फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्यूल फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्यूल इज कॉल्ड एज दैट टेम्परेचर एट विच

अरे भैया क्लियर है क्या जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्लियर है क्या क्लियर है या सबको समझ में आया यस ठीक है अगर सबको समझ में आया तो जल्दी से बना लो दो मिनट में जल्दी से बना लो इसको बनाना क्या है ये लिक्विड का टैंक बनाना ये है ये वेपर्स बनाने हैं और ये तीन चार वेपर आसपास में बनाना है उसके बाद में ये वाला टेबल बना लेना कि आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 जूल पे एनर्जी दिया जब 40 जूल एनर्जी दिया तो आपका फ्लूइड का टेम्परेचर 100 हो गया 100 पे फिर से आपने 40 जूल दिया तो ये 200 पे वेपर्स हो गए अब यहां पे आपका 80 जूल एनर्जी के साथ में 200 पे वेपर्स प्रेजेंट है फिर बाहर से आप 20 जूल एक्स्ट्रा दे रहे हो ओके ये मैथ से एंड देन जो भी प्रोसेस है दिस इज ओवर हेयर ओके फ्लैश ऑफ वेपर्स फ्लैशिंग ऑफ वेपर्स क्लियर है चलो जल्दी से लिखो यूपीपीसी एस ए के लिए क्लास अरेंज करिए देखो यार विनीत मैं बहुत बार बोल चुका हूं सेपरेट एग्जाम्स के लिए क्लास लेने से कोई फायदा नहीं होगा जो लोग भी सोच रहे हैं कि यार एचपीसीएल के अलग से क्लास ले लेता हूं एच एल की अलग से क्लास ले लेता हूं यूपीपीसीएस की अलग से ले लेता हूं गेट की अलग से लूंगा ई की अलग से लूंगा अरे यार ये फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट ऑटो इग्निशन पॉइंट ये क्या तीनों चेंज हो जाएंगे एच के लिए क्या फ्लैश पॉइंट अलग होगा गेट के लिए क्या फ्लैश पॉइंट अलग होगा ई के लिए क्या फ्लैश पॉइंट अलग होगा नहीं होगा सबका सेम ही रहता है मैं डे वन से आपको बोल रहा हूं कि एक एग्जाम के लिए तैयारी करो बस एक स्टैंडर्ड एग्जाम या तो गेट के लिए तैयारी करो या ई के लिए तैयारी करो बाकी सारे एग्जाम अपने आप निकलेंगे अरे ही तो पूछता है यार यूपीपीसीएस में जब यहां फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट ऑटो इग्निशन पॉइंट पता चल जाएगा तो वहां पे बच क्या जाएगा वो आपको बोलेगा फ्लैश लेस देन ऑटो इग्निशन पॉइंट मोर देन ऑटो इग्निशन पॉइंट अलग क्या आ रहा है यही तो बता रहा है समझ में आ रहा है अभी यूपीपीएससीएस के लिए तैयारी कर रहे उसके बाद में गेट के लिए तैयारी करोगे फिर येस के लिए तैयारी करोगे एच के लिए एचपीसीएल के लिए कोल इंडिया के लिए आईओसीएल के लिए हजार कंपनी पूछेंगी तो यही समझ में आया वेरी गुड फ्लैश पॉइंट वापस से समझा दूं ठीक है फ्लैश पॉइंट वापस से समझा दू फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे आपके वेपर्स जो हैं। अगर आपके वेपर्स हैं दीज आर योर वेपर्स आपके जो भी फ्यूल के वेपर्स हैं दे आर एट सर्टेन टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड फ्यूल के वेपर्स हैं वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं और इस टेम्परेचर पे अगर आपका फ्यूल 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे है एक 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 एग्जाम्पल है इस पे अगर आप इस वेपर्स को बाहर से कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देते हो एक्सटर्नल एनर्जी देते हो तो ये वेपर जो है ये पार्टिकल जो है जिसको एक्सटर्नल एनर्जी मिली है ये बर्न कर जाएगा ये बर्न करके एनर्जी रिलीज करेगा बट वो एनर्जी जो होगी दैट विल बी नॉट सफिशियंट टू कंटिन्यू द इग्निशन ऑफ दीज पार्टिकल्स एक पार्टिकल बर्न करेगा बाकी बर्न करके छूट जाएगा दिस इज कोल्ड एज द फ्लैश पॉइंट ठीक है समझ में आया लिखो लिखो जल्दी से लिखो फ्लैश पॉइंट फ्लैश पॉइंट इट इज द टेम्परेचर it is the temperature at which it is the temperature at which fuel vapors fuel vapors at which fuel vapors starts to starts to flash off Flash ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ combustion ठीक है बाहर से आप एक्सटर्नल सोर्स लेके आ रहे हो तभी वो फ्लैश ऑफ कर रहे हैं बाहर से आप एक्सटर्नल सोर्स तिल्ली लेके आ रहे हो तभी तिल्ली के आसपास वाले फ्लैश ऑफ कर रहे हैं बाकी नहीं कर रहे ओके सो इफ वी रिमूव इफ वी रिमूव एक्सटर्नल सोर्स इफ वी रिमूव एक्सटर्नल सोर्स देयर विल बी नो कंबशन ऑफ फ्यूल देयर विल बी नो कंबशन देयर विल बी नो कंबशन ऑफ फ्यूल ठीक है एक्सटर्नल फोर्स जितनी देर एक्सटर्नल सोर्स जब तक प्रेजेंट है तब तक कंबशन हो रहा है उसके आजू बाजू का ही ठीक है जैसे ही आपने एक्सटर्नल सोर्स को हटाया कंबशन खत्म क्लियर है ये समझ में आया वेरी गुड सर ये कंसेप्ट वाटर के लिए क्यों नहीं होता बिकॉज वाटर बर्न नहीं करता है वाटर को बर्न करके आप करोगे क्या एच है H2O को अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलरेडी कंबाइंड है अगर बाहर से ऑक्सीजन आती भी है तो ऑक्सीजन से ही शादी की हुई है हाइड्रोजन ने बर्न होगा ही नहीं समझ में आ गया दुर्गेश आप पूछ रहे हो कि इज द फ्लैश पॉइंट फिक्स टेम्परेचर और एट सम रेंज ऑफ टेम्परेचर जनरली इट इज अ रेंज बट एक्चुअल जो होता है इट शुड बी ओनली वन पॉइंट रेंज क्यों होती है बिकॉज आपका जो एक्सटर्नल सोर्स होता है वो कभी 20 जूल प्रोवाइड करता है कभी 25 जूल प्रोवाइड करता है कभी 50 जूल प्रोवाइड करता है बट अगर आप एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी फिक्स कर दो कि हां भैया एक्सटर्नल सोर्स 20 जूल ही देगा तो ये फ्लैश पॉइंट विल बी सिंगल टेम्परेचर सो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर आइडियल केस इट इज वन टेम्परेचर ये मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे वोट फ्लैश ऑफ करना शुरू होता है उसके ऊपर जाओगे तो फ्लैश ऑफ करता ही रहेगा इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द फ्लैशिंग स्टार्ट ठीक है अब ये थोड़ा होल्ड करो अभी थोड़ा होल्ड करो उसके बाद में आता हूं आगे ठीक है ओके वेरी गुड चलो तो अभी हमने फ्लैश पॉइंट देख लिया नेक्स्ट हेडिंग डालो फायर पॉइंट नेक्स्ट हेडिंग डालो फायर पॉइंट फायर पॉइंट क्या होता है फायर पॉइंट क्या होता है देखो Let's say, आपके पास में आपके पास में ये टैंक था ठीक है इस टैंक में आपके पास में लिक्विड वेपर्स थे लिक्विड था जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था ठीक है यहां पे आपके वेपर्स रिलीज होते हैं लेट से आपके वेपर्स रिलीज हो रहे हैं ठीक है यहां पे आपके वेपर्स हैं और अब ये जो वेपर्स हैं, नाउ दे आर नॉट एट 200 हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड बट दे आर एट लेट से नाइनटी जूल एनर्जी के साथ हैं, एंड दे आर एट 245 फोर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पहले आपके पास में 80 जूल एनर्जी दी थी आपने तो टेम्परेचर 200 डिग्री था और बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लेके आ रहे थे बट अब आपने क्या किया 80 जूल ना देके 90 जूल एनर्जी दे दी तो आपके वेपर्स के पास में अभी 90 जूल एनर्जी है एंड दे आर टू 245 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया है है वेपर्स का ठीक है? आपने ये 90 जूल एनर्जी दे दी है अब आप क्या करते हो बाहर से एक तिल्ली लेके आ रहे हो ठीक है बाहर से आप तिल्ली लेके आ रहे हो ये बर्न कर रही है जब ये बर्न करती है तो ये एक्चुअली में ट्वेंटी जूल एनर्जी दे रही है आपके इस वाले पार्टिकल को लेट्स से दिस इज पार्टिकल नंबर टू ओके पार्टिकल जो था इसको ट्वेंटी जूल एनर्जी दी इसने। इसके पास में ऑलरेडी 90 जूल एनर्जी थी ओके okay, इसके पास में ऑलरेडी ये जो पार्टिकल था इसके पास में 90 जूल एनर्जी थी ऑलरेडी इसको ट्वेंटी जूल एनर्जी बाहर से प्रोवाइड की गई क्या होगा क्या होगा जैसे ही ट्वेंटी जूल एनर्जी प्रोवाइड करोगे यह पार्टिकल बर्न करेगा जब यह पार्टिकल बर्न करेगा यह टू हंड्रेड जूल एनर्जी रिलीज करेगा और वो टू हंड्रेड एनर्जी जो होगी दैट विल डिसिपेट इन ऑल डायरेक्शन ओके ये टू हंड्रेड जूल एनर्जी थी वो डिसिपेट करेगी सारी डायरेक्शन में और जब वो सारी डायरेक्शन में डिसिपेट कर रही है मान लो मान लो इसके आजू बाजू में अभी भी 20 पार्टिकल प्रेजेंट थे और वो 20 पार्टिकल ने ये 200 जूल एनर्जी ले ली 200 जूल एनर्जी ले ली 20 पार्टिकल ने हर पार्टिकल के पास में कितनी जूल एनर्जी गई हर पार्टिकल के पास में कितनी जूल एनर्जी गई ठीक है इसने एनर्जी रिलीज की इसने एनर्जी रिलीज की ऐसे चारों तरफ जब इसने एनर्जी रिलीज की चारों तरफ ओके okay, तो इस वाले पार्टिकल के पास में 10 जूल एनर्जी आ गई इस वाले पार्टिकल के पास में 10 जूल एनर्जी आ गई जब इन दोनों पार्टिकल के पास में 10 जूल आ गई इसके बाजू में जो और 18 पार्टिकल थे उनके पास भी 10 10 जूल एनर्जी आ गई क्या होगा 20 पार्टिकल के पास में 90 जूल एनर्जी ऑलरेडी थी 90 जूल एनर्जी ऑलरेडी थी और आपने 10 10 जूल दे दी सबको सबके पास में सो सो जूल एनर्जी हो गई सबके पास में सो जूल एनर्जी हो गई जब सबके पास में सो जूल एनर्जी होगी तो क्या होगा ये सारे पार्टिकल भी बर्न करना शुरू करेंगे ये बीस पार्टिकल बर्न करना शुरू करेंगे आपने एक में आग लगाई थी बट वो एक में आग लगने के बाद में ये इसके बाजू के जो 20 पार्टिकल थे वो बर्न करना शुरू हुए जब 20 पार्टिकल एक साथ बर्न करेंगे वो एनर्जी रिलीज करेंगे 4000 जूल 20 पार्टिकल है हर पार्टिकल 200 जूल रिलीज करेगा तो 4000 जूल एनर्जी होगी वो 4000 जूल एनर्जी आजू बाजू वाले पार्टिकल लेंगे चार जूल एनर्जी इज ट्रिमेंडस एनर्जी तो इसके आजू बाजू के जितने भी पार्टिकल होंगे दे विल स्टार्ट बर्निंग और आपको क्या लगेगा आपको लगेगा कि जैसे ही आपने चिंगारी दी ये सारा कंबशन शुरू हो गया यहां पे आग लग गई यहां पे आग लग गई जैसे ही आपने चिंगारी दी इसने ऑटोमेटिकली आग पकड़ ली तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे आप थोड़ी सी चिंगारी देते हो वो चिंगारी देते ही आपका पूरे वेपर्स बर्न करना शुरू करते हैं चारों तरफ आग लग जाती है आग लग जाती है आग लग जाती है तो ये जो टेम्परेचर होता है जिसपे ऐसा प्रोसेस हुआ है दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज फायर पॉइंट समझ में आया क्या अरे भैया जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ समझ में आया क्या बर्न करेगा बर्न करेगा फैल जाएगा समझ में आया सबको क्लियर है ये सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट था वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे था जिसपे सिर्फ एक पार्टिकल बर्न हुआ था आजू बाजू के पार्टिकल नहीं बर्न हुए थे बट यहां पे 245 डिग्री सेंटीग्रेड पे आग लग गई है सारे पार्टिकल एक साथ बर्न होना शुरू हो गए दिस इज कॉल्ड एज योर फायर पॉइंट जो आपके हाउस होल्ड गैस सिलेंडर के अंदर होता है इट इज थिंग। आप क्या करते हो बाहर से इग्नाइटर से जलाते हो जैसे इग्नाइटर से जलाते हो सारे सारे पार्टिकल बर्न करना शुरू करते हैं तो आपका जो हाउस होल्ड में जो एलपीजी आता है अगर मैं उसको देखना चाहूं कि भैया रूम टेम्परेचर उसके लिए कौन सा टेम्परेचर है तो क्या मैं कह सकता हूं एलपीजी का जो फायर पॉइंट होगा वो रूम टेम्परेचर से भी कम होगा तभी तो आपने एक चिंगारी दी और चारों तरफ आग लग गई समझ में आ रहा है समझ में आया सबको क्लियर है ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अगर क्लियर है तो जल्दी से इस डायग्राम को बनाओ एंड लिखना शुरू करो ठीक है जल्दी से इस डायग्राम को बनाओ और लिखना शुरू करो जल्दी लिखो भैया जल्दी 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 फटाफट से लिख लिया एलपीजी गैस है इसका फायर पॉइंट शुड बी लेस देन रूम टेम्परेचर यस, इट्स फायर पॉइंट इज लेस देन रूम टेम्परेचर लिख लिया ओके okay, सो so लिखो फायर पॉइंट फायर पॉइंट इट इज द टेम्परेचर it is the temperature at which it is the temperature at which the continued combustion continued combustion of fuel continued combustion of fuel takes place टेक्स प्लेस वेन असिस्टेड बाई वेन असिस्टेड बाई एन एक्सटर्नल सोर्स वेन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कंबस्टन वेन असिस्ट असिस्टेड बाई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कंबस अभी भी आपको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है अगर एक्सटर्नल सोर्स नहीं दोगे तो कंबशन नहीं स्टार्ट होगा ओके okay? लिखो कंबशन कंटिन्यूज कंबशन कंटिन्यूज इवन इफ इवन इफ सोर्स इज रिमूव अगर आप सोर्स को हटा लोगे एक बार आपने सोर्स से चिंगारी प्रोवाइड कर दी कंबशन शुरू हो गया फिर आप सोर्स को हटा भी लो ये कंबशन रुकेगा नहीं

रूम टेम्परेचर फायर पॉइंट है तो फ्लैश पॉइंट रूम पॉइंट से भी नीचे होगा रूम टेम्परेचर से भी नीचे होगा समझ में आया सुदीप्ता क्लियर नहीं हुआ वापस से बताऊं वापस से बताऊं देखो क्या कह रहा है आपका एलपीजी में क्या होता है जो सिलेंडर आप घर पे रखे हो क्या होता है आप लाइटर से जैसे ही एक बार आग लगाते हो पूरी आग पकड़ लेता है उसके बाद में बर्न करते रहता है वो तो ये जो फिनोमिना होता है दिस इज कॉल्ड एज फायर पॉइंट ठीक है यहां पे आपके पास में जो फ्लूइड यहां पे आपके पास में जो वेपर के पार्टिकल थे देवर हैविंग 90 जूल एनर्जी और वो 245 पैंतालीस डिग्री सेंटीग्रेड पे थे उनको दस जूल एनर्जी का रिक्वायरमेंट था तो जैसे ही आपने बाहर से एक्सटर्नल सोर्स दिया आपने लेट से बाहर से 10 जूल एनर्जी दी 20 जूल एनर्जी दी 30 जूल एनर्जी थी तो एक पार्टिकल बर्न करना शुरू हुआ जब एक पार्टिकल बर्न किया उसने 200 जूल एनर्जी रिलीज की और ये 200 जूल एनर्जी थी ये बाकी सारे पार्टिकल ने ले ली जो कि अब 100 जूल पे आ गए जैसे ही वो 100 जूल पे आए ये सब भी बर्न करना शुरू हो गए और ये आपका प्रोसेस फायर में कन्वर्ट हो गया तो ये जो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आपने अगर एनर्जी प्रोवाइड की है जिस टेम्परेचर में आपने अगर एनर्जी प्रोवाइड की है जिसपे एक्चुअली में आग लग गई है ये पॉइंट जो होता है ये टेम्परेचर जो होता है दिस इज कॉल्ड एज फायर पॉइंट क्लियर है समझ में आया वेरी गुड चलो अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इग्निशन वट इज ऑटो इग्निशन ऑटो इग्निशन क्या होता है देखो मान लो आपके पास में ये कंटेनर था ठीक है इस कंटेनर के अंदर आपका फ्यूल रखा था ठीक है इस फ्यूल को आपने एनर्जी प्रोवाइड की जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इसके वेपर्स बनना शुरू हुए इसके वेपर्स बनते बनते आपने क्या किया इनको इतनी एनर्जी दे दी कि हर वैपर के पास में हंड्रेड जूल एनर्जी है आपके ये वेपर्स जो है इनके पास में नब्बे जूल एनर्जी थी जब आपने इनका टेम्परेचर 245 डिग्री रखा हुआ था आपने बाहर से और एनर्जी दे दी बाहर से और एनर्जी कैसे दी मुझे नहीं पता चाहे जैसे भी दियो मुझे नहीं पता कैसे एनर्जी दी बट आपने बाहर से एनर्जी दे दी आपने बाहर से एनर्जी दी इनका टेम्परेचर 280 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया जब इनका टेम्परेचर 280 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया इनके पास में इनहेरेंटली इंटरनल एनर्जी 100 जूल हो गई वो एनर्जी अगर 100 जूल हो गई तो ये पार्टिकल क्या करेंगे इनके पास में ऑलरेडी 100 जूल एनर्जी है अगर इनके पास में 100 जूल एनर्जी है नाउ दीज पार्टिकल इनको बाहर से एनर्जी की जरूरत है नहीं इनके पास में ऑलरेडी हंड्रेड जूल एनर्जी है दे विल स्टार्ट बर्निंग दे विल स्टार्ट बर्निंग वो बाहर एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देंगे दे विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट बर्निंग उनको बाहर से तिल्ली की भी जरूरत नहीं है नो एक्सटर्नल सोर्स बाहर से किसी भी सोर्स की जरूरत ही नहीं है क्यों क्योंकि इनका टेम्परेचर खुद का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ये 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये उस टेंचर पे बैठे हैं जिनका जिन पे इनका एनर्जी बॉन्ड एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा है कि बॉन्ड आराम से टूट सकते हैं अगर बॉन्ड आराम से टूट सकते हैं तो ये पार्टिकल अपने आप डिसीग्रेट हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड अपने आप टूट जाएंगे और अगर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड अपने आप टूट गए विसिनिटी में जो ऑक्सीजन बैठी है वो इनके पास आएगी इन पे अटैक करेगी और CO2 और H2O में कन्वर्ट करवा देगी तो ये जो टेम्परेचर होता है जिस पे आपका कंबशन स्टार्ट हो जाता है विदाउट एनी सोर्स ऑफ कंबशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है आप बाहर से तिल्ली लेके नहीं आ रहे हो जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर 280 डिग्री सेंटीग्रेड किया वो भैया चला बिना एक्सटर्नल सोर्स के ही वो स्टार्ट हो जाता है सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ऑटो इग्निशन टेम्परेचर समझ में आया क्या अरे समझ में आया क्या सुदीप्ता आप बोल रहे हो हंड्रेड जूल क्या फिक्स है क्या यार देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ना हंड्रेड जूल फिक्स है ना ये दो सौ अस्सी डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है ना 100 जूल फिक्स है ना 280 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है हर फ्यूल के लिए अलग एनर्जी होती है अलग टेम्परेचर होता है ठीक है समझ में आया वेरी गुड फ्यूएल कैचेस फायर विदाउट एक्सटर्नल स्पार्क वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जैसे मेटल में वर्किंग होने के बाद चिप निकलता है तो क्या पिस्टन में भी चिप निकलता है और ऑयल में मिक्स होगी अरे भाई शाश्वत ये कहां से ला रहे हो ये कहां से ला रहे हो भाई पिस्टन में क्यों चिप निकलेगा यार कोई टूल थोड़ी लगा है जो निकाल लेगा उसका ज्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग होगा चिप नहीं निकलेगा ठीक है वेरी गुड समझ में आया ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ओके अगर समझ में आया तो जल्दी से फटाफट इसको लिखो उसके बाद में आपको तो देखो एक जबरदस्त चीज दिखाता हूं जबरदस्त चीज दिखाता हूं जाना मत कोई भी बाहर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इट इज द टेम्परेचर एट विच इट इज द टेम्परेचर इट इज द टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैच फायर फ्यूल कैच फायर विदाउट एनी विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कंबशन विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कंबशन विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कंबशन अपने आप आग लग जाती है उसमें उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उसमें बाहर से किसी सोर्स की जरूरत नहीं होती है समझ में आया क्या आया समझ में आया अगर ये लिख लिया तो इसको थोड़ा इसको थोड़ा मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझा देता हूं देखो इधर यहां पे अगर आप देखो ये आपका फ्यूल प्रेजेंट है ठीक है ये आपका फ्यूल प्रेजेंट है इसके वेपर्स निकल रहे हैं उन वेपर्स को अगर बाहर से आप तिल्ली से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो और आपको ऐसे छोटे छोटे स्पार्क नजर आते हैं बाहर से आपने एक्सटर्नल सोर्स दिया वेपर से ऐसे छोटे छोटे पतंगे से निकलते हुए नजर आते हैं देन दिस पॉइंट इज द फ्लैश पॉइंट ठीक है सेम अगर आपने वेपर्स निकल रहे हैं आपने बाहर से एक्सटर्नल सोर्स दिया एक्सटर्नल सोर्स देने पे अगर पूरे फ्यूल में आग लग जाती है ऑटोमेटिकली देन दिस इज कॉल्ड एज द फायर पॉइंट ठीक है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगर फ्यूल है उसमें से वेपर्स निकल रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स अगर उसमें आग लग जाती है देन दिस इज कॉल्ड एज द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ठीक है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जनरली अगर आप देखोगे तो फ्लैश पॉइंट जो होता है That that is is lower lower than than fire and that is lower than auto ignition. Flash point सबसे कम होता है fire point उससे ज्यादा होता है auto ignition temperature ज्यादा होता है और इन दोनों के बीच में एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है जैसे अगर आप नॉर्मल देखना चाहो तो ये फ्लैश पॉइंट होगा दिस could बी somewhere अराउंड रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम भी हो सकता है मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन के लिए फायर पॉइंट होगा इट कुड बी समवेयर अराउंड रूम टेम्परेचर या फिर 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री के आसपास बट ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होगा दैट विल बी मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड ओके सो दैट इज अराउंड लेट्स से 70 80 दिस इज इज अराउंड 250 एंड दिस दिस मे बी अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो जनरली टेन सेवेंटी एंड देन टू फायर पॉइंट और ऑटो इग्निशन पॉइंट के बीच में देर इज अ लार्ज डिफरेंस क्लियर है ओके <coughs> okay. अगर क्लियर है तो अब अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं जो आपके नॉर्मल फ्यूल्स होते हैं जो भी आपके नॉर्मल फ्यूल है डीजल है पेट्रोल है एलपीजी है सीएनजी है या फिर मिथेन है इन सब का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं ठीक है सो so अगर हम बात करें ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स ठीक है तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो होगा जनरली डीजल जो है इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अराउंड 210 डिग्री सेंटीग्रेड है कैरोसिन जो है इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इज आल्सो अराउंड 230 आसपास है दोनों का इसके बाद में हम आ जाते हैं पेट्रोल के लिए पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 280 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है 280 से 300 डिग्री के आसपास होता है थोड़ा और अगर जाते हैं तो जो आपका मीथेन है या सी है उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इज द हाइएस्ट दैट इज समवेयर अराउंड 580 डिग्री सेंटीग्रेड सी का हाइएस्ट होता है पेट्रोल एटी टू थ्री हंड्रेड कैरोसिन दो सौ तीस ये दो सौ दस ये जो डेटा है ये आपको बहुत काम आएगा दो जगह पहला तो जब हम डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन पढ़ेंगे उस टाइम डीजल इंजन जो बनाए जाते हैं या पेट्रोल इंजन जो बनाए जाते हैं वो इस टेम्परेचर के बेसिस पे बनाए जाते हैं इस टेम्परेचर के बेसिस पे बनाया जाता है दोनों का जो डिस्टिंगशन है एक में स्पार्क प्लग लगाया जाता है एक में इंजेक्टर लगाया जाता है वो इसीलिए लगाया जाता है है क्योंकि ये दोनों में में डिफरेंस उसको बाद बताऊंगा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज होगी दैट विल बी द नॉकिंग ठीक है जब मैं नॉकिंग का प्रिंसिपल दिखा बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है नॉकिंग के चांसेस जनरली जनरलीसाई इंजन में उतने ही कम होते हैं डीजल इंजन में जितना ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कम होता है उतने ही नॉकिंग के चांसेस कम होते हैं तो ये दोनों टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नॉकिंग के केस में नॉकिंग डीजल इंजन या जो कैरोसिन है उनमें कम होना चाहिए आपका टेम्परेचर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तो नॉकिंग कम होगी पेट्रोल इंजन में या जो सीएनजी है या एलपीजी है उनमें जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी आपकी नोकिंग कम होगी तो इन इन दोनों प्रिंसिपल को हम आगे देखेंगे ठीक है ओके वेरी गुड ये 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 सारे ये सारे के, ये सारे फ्यूल के क्या सबके अलग अलग होते हैं हर फ्यूल का टेम्परेचर अलग होता है जितने भी सारे फ्यूल हैं सबका टेम्परेचर अलग होता है चलो वेरी गुड अब आ जाते हैं भैया जो हमारा जो हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉपी किताब कर दो बंद ठीक है कॉपी किताब कर दो बंद और अब देखो आपको ये तीनों चीजें तो समझ में आ गई होंगी फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट ऑटो इग्निशन पॉइंट क्या इन तीनों को प्रैक्टिकल लाइफ में कभी देखा है क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कभी देखा है क्या देखो अगर नहीं देखा है तो आज आपको दिखाता हूं आई एम श्योर आप में से 90 परसेंट लोगों ने ये देखा होगा बट याद नहीं होगा और जब ये हो रहा होगा तब सोचा नहीं होगा आज के बाद में जब कभी भी ये काम करोगे तो मेरे को जरूर याद करोगे देखो जल्दी बताओ कितने लोग सिंगल हैं अभी तो सिंस कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप सब लोग अपने फैमिली वालों के साथ ही रह रहे होंगे घर में ही रह रहे होंगे वरना अगर मान लो कहीं पे कोचिंग कर रहे होते तो जनरली जो सिंगल लोग रहते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं ठीक है कितने लोगों को खाना बनाना आता है कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाना बनाना आता है जो अच्छे कुक हैं? है क्या कोई यहाँ पे है क्या कोई यहाँ पे नहीं है फायर शॉट्स में देखा है फायर बाप वापरे थोड़ा आगे ही चले गए ठीक है फायर शॉट पे रुक जाओ तुम 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 रुको रोहित तुम रुक जाओ तुम्हारी क्लास बाद में लूंगा मैं ठीक है देखो जो भैया सिंगल लोग हैं उनको ये चीज पता होगी जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रहते हैं लिव इन में रह रहे हैं उनको ये और ज्यादा पता होगी क्योंकि यह सब आपने किया होगा ठीक है गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए आज का खाना मैं बना देता हूं वाहियात तो बनाओगे बट मैं बना देता हूं ठीक है देखो होता क्या है देखो इधर इधर देखो सिंपल कितने लोगों ने दाल में तड़का लगाया हुआ है आज हम दाल में तड़का लगाना सीखेंगे ठीक है दाल में कितने लोगों ने तड़का लगाया हुआ है देखो दाल में जब तड़का लगाते हो तो ये जो पूरा प्रोसेस है आप इस प्रोसेस को फील करते हो कैसे जब दाल में तड़का लगाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो दाल में तड़का लगाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो एक चमचा लेते हो उस चमचे के अंदर क्या करते हो यहां पे थोड़ा सा घी रख लोगे। जो जो लोग वेट कॉन्शियस नहीं है वो लोग घी रख लेंगे ठीक है जो लोग थोड़े वेट कॉन्शियस हैं, वो यहां पे तेल रखेंगे ठीक है घी रख लेते हो घी रख ले घी रखने के बाद में क्या करते हो घी रखने के बाद में क्या करते हो यहां पे थोड़ा सा जीरा डाल देते हो डालते हो कि नहीं घी रखा है कड़छुल में घी रखा है उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हो और इसके बाद में इसको चढ़ा देते हो आप अपने गैस के बर्नर पे दिस इज योर बर्नर अरे जिन लोगों ने लगाया उनको तो यह समझ में आता है जिन्होंने नहीं लगाया आपकी मम्मी तो बनाती होगी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें तड़का लगाया जाता है वो यही करती हैं एक कड़छुल लेती हैं उसमें घी रखती हैं उसमें कुछ जीरा डाल के फिर उसको चढ़ा देती हैं बर्नर के ऊपर जब वो बर्नर के ऊपर चढ़ा रही है वो में कर क्या रही है ये आपका घी है जिसका टेम्परेचर है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड घी इज नथिंग बट इट्स अ हाइड्रोकार्बन घी इज अ हाइड्रोकार्बन तेल जो होता है वेजिटेबल ऑयल होता है दैट इज आल्सो ए हाइड्रोकार्बन और आपने घी में तड़का लगा घी का तड़का लगाना है तो आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे घी लिया है आपने क्या किया गैस के ऊपर चढ़ाया गैस के ऊपर चढ़ा के उसको एनर्जी दे रहे हो अरे ये तो वही है लिक्विड फ्यूल ये वाला सर इसके अंदर लिक्विड फ्यूल रखा हुआ है नीचे से एनर्जी दे रहे थे बीस डिग्री पे था सत्तर डिग्री पे हुआ सौ डिग्री पे हुआ दो डिग्री पे हुआ दो पे गया तो जब ये बर्नर पे चढ़ा के एनर्जी दे रहे हो तो यहां पर क्या होता है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है होता है क्या इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है घी उबलना शुरू होता है घी उबलना शुरू होगा थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जब घी उबल रहा है तो घी में से यहां से कुछ आपको ऐसे ऐसे वेपर्स उठते हुए वे नजर आते हैं सफेद सफेद क्या वेपर्स उठते हुए वे नजर आते हैं आते ही होंगे सबको ठीक है तो जब आपके वेपर्स उठना शुरू हुए हैं तब जब आपके वेपर्स उठ गए हैं उसके बाद में देखो प्रोसेस क्या होता है जब आपके वेपर्स उठ रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा कि सिंस आपने ये कड़छुल गैस के ऊपर रखा हुआ है कभी कभी गैस की लपटे यहां तक आ जाती हैं ऐसे कभी कभी गैस की लपटे इस कड़छुल के ऊपर तक आ जाती हैं आती है और जब ये गैस ये जो बर्निंग फायर है उसके लपटे यहां तक आ जाती हैं आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़ी देर बाद में यहां पे ऐसे कुछ कुछ होना शुरू होता है ऐसे छोटे छोटे पतंगे निकलते हैं ऐसे करके निकलते हैं कभी देखा है कड़छुल के कॉर्नर पे छोटे छोटे पतंगे निकलने शुरू होते हैं कुड़चुल के कॉर्नर पे छोटे छोटे धीरे धीरे अगर आपको देखोगे यहां पे एक ऐसा लगेगा जैसे यहां फायर में बर्न हुआ और बंद हो जाएगा फिर बर्न हुआ बंद हो जाएगा फिर बर्न हुआ बंद हो जाएगा अब अगर आप देखो तो ये वेपर्स जो है जब ये आपके फायर को देख रहे हैं फायर क्या है फायर इज नथिंग बट एक्सटर्नल सोर्स अरे तिल्ली से फायर लगाई थी यहां पे तो पूरी आग लगा रखी है तो आपने बाहर से एनर्जी दी जब आपने बाहर से एनर्जी दी यहां पे जो पार्टिकल था यहां पे ये जो वेपर था ये वाला वेपर ये वाला वेपर पार्टिकल जो था इसको एनर्जी मिली और ये फ्लैश ऑफ किया जब ये फ्लैश ऑफ किया तो ये बर्न किया इसने कुछ एनर्जी रिलीज की बट वो एनर्जी जो है वो सफिशियंट नहीं है अभी यहां पर आग नहीं लगी है छुल के चारों तरफ धीरे धीरे करके ऐसे से छ होना शुरू होता है तो ये जो छोटा छोटा ये जो छोटा छोटा चिंगारी निकल रही है उस चिंगारी पे जो टेम्परेचर होता है आपके घी का दैट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ द घी फ्लैश पॉइंट ऑफ द घी 200 डिग्री के आसपास ठीक है जब आपका ये चिंगारी निकलना शुरू हो गया है क्या आप अपने करछुल को हटा लेते हो क्या क्या करछुल को हटा लेते हो नहीं नहीं अभी तक नहीं हटाते क्यों क्योंकि मजा तो उसके बाद आता है आपने थोड़ी देर और आग पर रखा उसको यहां पे और आग पर रखा जब थोड़ी देर और आग पे रखते हो तो क्या होता है अब आपको दिखता है कि अचानक से अचानक से ये एक चिंगारी निकली और इस चिंगारी ने पूरी यहां पे आग लगा दी इस चिंगारी ने पूरी यहां पे आग लगा दी और अब यहां पे पूरा बर्निंग होना शुरू हो जाता है आपके करछुल का जो घी है घी के ऊपर आग आ जाती है इट इज लाइक ऑन द रॉक्स ठीक है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हो अब आप क्या करते हो उस करछुल को बाहर ले आते हो आपने इसको स्टोव इस से बाहर रख लिया जब आपने स्टोव से बाहर रखा तभी क्या है ये जो स्टोव है हटा दिया आपने एक्सटर्नल सोर्स हटा दिया अब आपका करछुल है कड़छुल के अंदर आग लगी हुई है उसके ऊपर वो आग लगी हुई है और उस लगी हुई आग को उस लगी हुई आग वाले घी को अब आप दाल के अंदर डाल देते हो और तड़का लग जाता है तो ये जो आग लगी है ये जब आग लगी है पहले चिंगारी निकल रही थी चिंगारी जब निकल रही थी तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड था आपने अभी भी घी को आपने अभी भी घी को स्टोव स्टोव पे रखा हुआ है और एनर्जी दी जा रही है तो टेम्परेचर 250 डिग्री हो गया जब 250 डिग्री हुआ तब आग लगी तो जो आग लगी है उस टाइम जो टेम्परेचर रहेगा दैट इज योर फायर पॉइंट ऑफ द घी समझ में आया क्या क्लियर है ये क्लियर है अगर आपको अब फ्लैश पॉइंट देख लिया फायर पॉइंट देख लिया बट आपको ऑटो इग्निशन देखना है ये दोनों चीज तो आपने देखी होगी बट आपको ऑटो इग्निशन देखना है। यहां इग्निशन नहीं दिखेगा अगर आपको ऑटो इग्निशन देखना है तो आपको थोड़ा सा अलग सेटअप करना पड़ेगा सेटअप अलग क्या करना पड़ेगा कि आपको ये जो करछुल है आपको ये जो करछुल है इस करछुल को आपको ये जो आपका गैस का स्टोव है जिसकी आग यहां तक लगी हुई है आपको अपने करछुल को थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा जब आप इसको इसको स्टोव से ऊपर रखते हो अगर यहां से ऊपर रखते हो तो यहां वेपर लगेंगे टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन अगर थोड़ी देर तक आपने इसको रखा हुआ है तो अब आपको पता चलेगा कि यहां से ये वेपर्स ये फ्लेम जो था वो ऊपर तक नहीं पहुंच रहा था बट उसके बावजूद भी यहां पे फायर लग गई है ये वेपर्स यहां तक नहीं पहुंच रहे थे फिर भी फायर लग गई है तो ये जो टेम्परेचर होगा नाउ दिस विल बी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर और यहां पे अगर आप टेम्परेचर देखोगे अराउंड 300 हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड घी के घी के लिए वैसा होगा क्या समझ में आया क्या सबको समझ में आया सबको क्लियर है क्या तीनों दिखे फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट एंड ऑटो इग्निशन पॉइंट क्या तीनों टेम्परेचर समझ में आ गए अरे प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिखा क्या दिख रहा है क्लियर है ये जिन्होंने नहीं किया एक्सपीरियंस आज घर जाके करना ठीक है आपको थोड़ा सा समझ में आएगा ठीक है आज अगर मम्मी मम्मी आपके घर पे बोलना दाल बनाएंगे और दाल में तड़का मैं लगाऊंगा ठीक है क्लियर है सब लोगों को वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड समझ में आ गया <coughs> क्लियर है ओके okay. So, अगर समझ में आ गया होगा फ्यूल so sure का कंबशन जो है वो आज दिमाग में बैठ गया होगा एकदम क्लियर हो गया होगा ठीक है अगर क्लियर हो गया है तो हमारा कंबशन ऑफ फ्यूल जो है वो यहां पे खत्म होता है ठीक है कंबशन ऑफ फ्यूल वाला टॉपिक जो है वो यहां पे खत्म होता है नाउ लेट्स गो इन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजिन क्लियर है ये सबको ओके क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन इसको आज पढ़ें या बाद में पढ़ें इसको आज पढ़ें या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें ओके सो गाइज ऑलरेडी हमारा टाइम तो ओवर हो हो गया है ठीक है सात बज के पांच मिनट हो गए आई एम श्योर आधा घंटा और लगेगा बट इट्स बेटर दैट वी कंटिन्यू ठीक है चलो ओके okay. हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन Classification of IC engines. ओके वेरी गुड सो guys, अभी तक हमने IC इंजन देखे हैं बहुत टाइप के IC इंजन देखे हैं ठीक है तो आज हम इनको देखते हैं कि इन इन जितने भी सारे इंजन हैं, इनको कैसे कैसे कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं ठीक है सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन ठीक है आज ही कर ले वेरी गुड ठीक है चलो सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन आप लोगों ने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा हुआ है ठीक है पहला जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज ऑन द बेस्ड ऑफ बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक्स नंबर ऑफ स्ट्रोक्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट क्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ओके साइकिल आई एम श्योर आपको टर्म समझ में आती है ठीक <coughs> है साइकिल आई एम श्योर आप सब लोगों को समझ में आती है ठीक है साइकिल मतलब जहां से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे वापस कब तक आ जाते हैं सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ये स्ट्रोक्स कितना है क्या है स्ट्रोक्स कल हमने देखा था टी डी सी से बी डी सी तक जाने पर या बीडीसी से टीडीसी तक जाने पर जो एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक ठीक है तो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पिस्टन कितनी बार एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर के बीच में जा रही है ओके सो बेस्ड ऑन दिस कैटेगरी वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंजन वन इज कॉल्ड एज द फोर स्ट्रोक इंजन वन इज कॉल्ड एज द फोर स्ट्रोक इंजन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज टू स्ट्रोक इंजन ठीक है मतलब आपका चार स्ट्रोक में इस वाले ऊपर वाले में चार स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर रहेगी ऊपर से नीचे आएगी नीचे से ऊपर जाएगी ऊपर से नीचे आएगी और नीचे से ऊपर जाएगी तब आपके चार स्ट्रोक होंगे तो इस पूरे में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है दिस इज योर वन साइकिल ठीक है अगर ऐसा होता है दिस इज कॉल्ड एज द फोर स्ट्रोक इंजन बट अगर आपकी पिस्टन जो है वो ऊपर से नीचे आई है और नीचे से ऊपर गई है सिर्फ इतने में ही साइकिल कंप्लीट हो गया है देन दिस इज कॉल्ड एज द टू स्ट्रोक इंजन ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऐसे इंजन आप लोगों ने ऑलरेडी देखे होंगे ठीक है इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे स्ट्रोक होता है कैसे आपका इंजन चलता है ओके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फ्यूल यूज्ड ओके जो आता है दैट इज बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन फ्यूल यूज ठीक है फ्यूल यूज के बेसिस पे ये जो फ्यूल यूज है दैट इज बेस्ड ऑन द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल ऑटो इग्निशन ऑफ फ्यूल ऑटो इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का क्या होता है उसके बेसिस पे ये क्लासिफाई किया गया है ओके okay? तो पहला जो इंजन होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पार्क इग्निशन इंज जिनको एसआई इंजन बोलते हैं ठीक है स्पार्क इग्निशन ठीक है स्पार्क इग्निशन का मतलब होता है इग्निशन स्टार्ट करने के लिए आपको स्पार्क देना पड़ेगा मतलब आप फायर पॉइंट पे हो आपको बाहर से चिंगारी देनी पड़ेगी कंबशन स्टार्ट करने के लिए सो दिस इज कॉल्ड एज द स्पार्क इग्निशन इंजन ठीक है इस कैटेगरी में जो नेक्स्ट आता है कॉल्ड एंड कंप्रेशन इग्निशन, ठीक है दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन इग्निशन कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होते हैं दीज आर दो इंजन जिसमें कि टेम्परेचर आपका फ्यूल का इतना ज्यादा होता है कि फ्यूल ऑटो इग्नाइट करता है फ्यूल ऑटो इग्नाइट करता है तो जनरली ये स्पार्क इग्निशन इंजन जो होते हैं दीज आर नथिंग बट इनको हम एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं दीज आर कोल्ड एज पेट्रोल इंजन और ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं इनको हम बोलते हैं डीजल इंजन ठीक है कंप्रेशन इग्निशन इंजन एंड देन डीजल इंजेंस ओके वेरी गुड ओके नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी इज बेस्ड ऑन द साइकिल ठीक है एक्चुअली में ये बेस्ड ऑन साइकिल जो है दैट इज सेम एज बेस्ड ऑन फ्यूल यूज कौन सा साइकिल चल रहा है तो पहला इस कैटेगरी में जो पेट्रोल इंजन आते हैं दे रन ऑन ऑटो साइकिल दे रन ऑन ऑटो साइकिल इस कैटेगरी में जो दूसरा आता है दैट इज डीजल इंजन दैट इज डेवलप्ड बाय डीजल और ये होता है ये चलता है डीजल साइकिल पे इन दोनों को क्लब करके देखो इन दोनों को क्लब करके एक तीसरा साइकिल बनाया गया है एंड दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल साइकिल एक्चुअली में जितने भी डीजल इंजन होते हैं जो भी आपके प्रैक्टिकल डीजल इंजन है दे रन मोस्टली ऑन ड्यूअल साइकिल ये साइकिल जो है ये प्रैक्टिकल डीजल इंजन का साइकिल है आपके जो डीजल इंजन है दे नेवर रन ऑन दिस साइकिल प्रैक्टिकली बोल रहा हूं ठीक है इस साइकिल पे वो रन करते हैं इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा ओके सो दिस इज बेस्ड ऑन द साइकिल यूज नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी इज बेस्ड ऑन द कूलिंग ऑफ इंजन बेस्ड ऑन कूलिंग ऑफ इंजन ठीक है कूलिंग ऑफ इंजन कूलिंग जनरली जो इंजन की बात करते हैं जो इस कूलिंग की बात कर रहे हैं दिस इज मोस्टली कूलिंग ऑफ कूलिंग ऑफ सिलेंडर ठीक है हमने कहा था जब कूलिंग करते हैं तो कूलिंग तीन चीजों की होती है सिलेंडर की होती है सिलेंडर हेड की होती है पिस्टन की होती है ठीक है तो सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड दोनों को हम एज ए सिंगल एंटिटी कंसिडर करते हैं विच इज कॉल्ड एज द सिलेंडर सो ये जो बेस्ड ऑन कूलिंग है दिस इज बेसिकली फॉर योर सिलेंडर पिस्टन की जो कूलिंग होती है ओके okay, पिस्टन जो जनरली कूल cool होता है वो मोस्ट ऑफ द इंजन में ल्यूब ऑयल से ही होता है मोस्ट ऑफ द इंजन में नॉट ऑल मोस्ट ऑफ द इंजन दिस इज डन बाई ल्यूब ऑयल क्या है लिब्रिकेशन लुब्रिकेशन ऑयल कौन सा है? जो संप वाला है उसी से कूलिंग होती है पिस्टन की आपकी सिलेंडर की कैसे कूलिंग हो रही है एयर कूल्ड इंजिन ठीक है जिनकी कूलिंग एयर से की जाती है सिलेंडर की कूलिंग एयर से की जा रही है दीज आर एयर कूल्ड इंजन दूसरे जो होते हैं दीज आर कोल्ड एज वाटर कूल्ड इंजन जिसमें वाटर को यूज किया जाता है सिलेंडर कूलिंग के लिए हमने कहा था देखो वाटर जैकेट होता है सिलेंडर के चारों तरफ वाटर जैकेट होता है जिसमें कि पानी मूव कर रहा होता है वो पानी क्या करेगा आपके सिलेंडर से हीट बाहर निकालेगा और आपके सिलेंडर को ठंडा रखेगा सो दैट इज नथिंग बट द वॉटर कूल्ड इंजन ये मोस्टली आपके इंजन कार के या फिर बस के जो इंजन होते हैं जिसमें रेडिएटर होता है बाहर से पानी डाला जाता है इंजन के अंदर वो बेसिकली वॉटर कूल्ड इंजन होते हैं ठीक है इसमें जो तीसरा आता है दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ वॉटर कूल्ड एंड दैट इज ऑयल कूल्ड ठीक है वॉटर की जगह आप ऑयल को यूज करते हो कूलिंग के लिए ये जो ऑयल कूल्ड इंजन हैं ये आजकल आ रहे हैं ओके जितनी भी आपने सुपर बाइक्स देखी होंगी ठीक है जितनी भी आपने सुपर बाइक्स देखी होंगी उन लोगों के पास जिनके पास में ये वाली है आर वन फाइव या फिर आपके पास में ये है सी बी आर या फिर आपके पास में ये है एवेंजर ये सारी जो बाइक्स हैं इनमें आप आगे देखोगे इंजन के आगे एक रेडिएटर लगा होता है छोटा सा ठीक है ऐसे ऐसे फिंस लगे होंगे वो रेडिएटर होता है उसके अंदर एक्चुअली में आपका ल्यू बॉयल जो आपके आ, पिस्टन के कूलिंग के भी काम आता है वही ल्यूब ऑयल इस सिलेंडर इस रेडिएटर के अंदर जाता है वहां से घुस के फिर वापस आपकी कूलिंग करके आ रहा होता है ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ल्यूब ऑयल कूल्ड चौथा जो इसमें क्लासिफिकेशन आता है दैट इज अ कूलेंट एक्चुअली में वॉटर जो है उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि वॉटर आपके इंजन को करोड करता है वॉटर है इंजन आपका फेरस अलोई का बना हुआ होता है कास्ट आयरन का मोस्ट ऑफ द टाइम इंजन होता है वॉटर जैकेट भी कास्ट आयरन की होती है और बाहर से आप पानी सप्लाई कर रहे हो हाई टेम्परेचर पे आपका पानी है सिलेंडर भी हाई टेम्परेचर पे है तो क्या होगा हाई टेम्परेचर है आयरन प्रेजेंट है पानी के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है जनरली कोरोजन हो जाता है सो so ये वॉटर कूल्ड इंजन है इनके साथ इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि इनकी पाइपलाइंस इनके सिलेंडर सबका कोरोजन होता है तो जनरली हम वाटर कूल्ड को अवॉइड करते हैं वाटर कूल्ड को अवॉइड करके हम गए ऑयल कूल्ड पे बट ऑयल कूलिंग के साथ दिक्कत यह है कि ये जो ऑयल होता है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होता है पानी को हम ऐसे कूलिंग के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पानी एक डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए 4.18 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्व कर सकता है बट ये ऑयल कूल्ड इंजन जो है उसमें ऑयल जो होता है उसका स्पेसिफिक हीट बहुत कम होता है वन जूल मतलब पानी आपका चार गुना ज्यादा हीट बाहर निकाल सकता है ऑयल उतनी हीट बाहर नहीं निकाल सकता तो जब आप ऑयल के द्वारा कूलिंग करते हो आपका इंजन इफेक्टिवली कूल्ड ही नहीं हो पाता है आपको ऑयल बहुत ज्यादा सप्लाई करना पड़ता है तो उसके लिए क्या होता है ऑयल वालों में फिर से दिक्कत आने लग जाती है कि आपका इंजन गर्म ही रहता है कूलिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो हमने कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाने की कोशिश की जो कि कूलेंट्स हैं ठीक है जो कि कूलेंट्स हैं दीज आर स्पेशल दीज आर स्पेशल सब्सटेंसेस जो पानी के जैसे हाई स्पेसिफिक हीट रखते हैं बट कोरोजन नहीं करेंगे ओके अगर आपने ये सारी बाइक्स देखी होंगी इनमें कुछ ऐसी बाइक्स हैं जैसे सीबीआर है सीबीआर में अलग से एक कूलेंट डाला जाता है विच इज अ ब्लू कलर अगर आपने देखा होगा ब्लू कलर का एक डब्बा अलग से लगा रहता है नेक्स्ट टाइम अगर कभी आप सर्विस सेंटर में जाओ तो ये अच्छी बाइक्स हो तो उनमें पूछना कि कूलेंट कहां पे है तो आपको बताएगा कूलेंट का अलग से एक डब्बा होता है वो एक स्पेशल कूलेंट होता है जिसको यूज किया जाता है रेडिएटर के साथ में आपके लाइनर की कूलिंग के लिए ठीक है सो दीज आर कूलेंट बेस्ड या कूलेंट स्पेशल कूलेंट विच आर यूज टू कूल द एंजन समझ में आया समझ में आ गया क्या भैया अरे भाई बाकी सब लोग कहां भाग गए क्या बात है स्ट्रेंथ कम कैसे हो गई है क्या बात है कहां भाग गए सब लोग थक गए क्लास में क्लास में थक तो नहीं गए नहीं थके ओके चलो देखो भैया भागो मत क्लास कर रहे हो तो क्लास करो ठीक है आप लोगों के लिए ही ये कोर्स लाया गया है समझ में आ रहा है ओके चलो वेरी गुड ओके चलो ठीक है ओके तो गाइज ये चार टाइप के जो इंजन हैं, इनको मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझा देता हूं कि एक्चुअली में कूलिंग इनकी कैसे होती है ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं हम एयर कूल्ड इंजेंस देखो एयर कूल्ड इंजन जो होते हैं वो मोस्टली आपकी बाइक्स में लगे रहते हैं अगर आपने देखा होगा कि आपकी बाइक में जो इंजन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है आपकी बाइक बाइक का जो इंजन है वो कुछ ऐसा दिखता है ठीक है ये आपका इंजन है इसको अगर आप कट क्रॉस सेक्शन लोगे इसको बीचों बीच से अगर काटोगे तो आपको दिखेगा कि ये आपका सिलेंडर है ठीक है इस सिलेंडर के अंदर ये आपकी पिस्टन होगी जो मूव कर रही होगी और इसके चारों तरफ फिंस लगे हैं ओके दीज आर द फिंस, ये आपके फिंस लगे हैं ऐसे ऐसे ठीक है ये जो फिंस है ये जो बाहर आप एक्चुअली में देख रहे हो इट इज दिस देख रहा है सबको ये आपका फिन है ये यहां पे फिन है यहां पे फिन है यहां पे फिन है यहां पे फिन है दीज आर दिन सिलेंडर हेड के अंदर भी फिंस है ये आपका ऊपर जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है दिस इज सिलेंडर हेड ये जो नीचे देख रहा है दिस इज सिलेंडर ठीक है ऊपर सिलेंडर हेड है नीचे सिलेंडर है दोनों में फिंस लगे हुए हैं सो दीज आर एक्चुअली एयर कूल्ड इंजन जब आपकी बाइक चलती है तो आपकी एयर जो है आपकी एयर जो है वो यहां से यहां से एयर ऐसे आगे आएगी ठीक है एयर ऐसे आगे आएगी ओके दिख रहा है ये कलर या नहीं अगर कलर नहीं दिख रहा है तो मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं ठीक है एयर जो होगी वो आपकी ऐसे ऐसे आएगी जब आपकी एयर ऐसे ऐसे आ रही है वो फिंस के, 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 भीच के भीच एयर भीच पास करेगी तो अब क्या करेगी ये फिंस के साथ में इंटरेक्ट करेगी वहां से एनर्जी बाहर निकाल लेगी तो यहां फिन से एनर्जी आपकी बाहर निकल रही है जब फिन से एनर्जी बाहर निकल रही है तो आपका सिलेंडर जो है वो कूल हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज द एयर कूल्ड इंजन ये वही इंजेंस होते हैं जिनका पावर जनरली बहुत छोटा होता है जो इंजन जो लेस देन अराउंड लेस देन अराउंड 300 सीसी के आसपास होते हैं उन्हीं इंजन में जनरली ये कूलिंग देखी जाती है बाकी सारे इंजन में ये कूलिंग नहीं देखी जाती है ठीक है आपके कार वगैरह के जो इंजन होते हैं दे आर मच हैवियर कार का जो इंजन होता है दैट इज अराउंड 1200 सीसी जिसमें 300 300 के चार सिलेंडर लगे होंगे ठीक है उनमें वाली कूलिंग नहीं देखी जाती है क्लियर है सो दिस दिस इज इज योर योर सिंपल सिंपल और आपका एयर कूल्ड ठीक है नेक्स्ट जाते हैं लेट्स गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज वॉटर कूल्ड इंजन वॉटर कूल्ड इंजन या फिर ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं वो दोनों सेम कैटेगरी के होते हैं तो देखो वॉटर कूल्ड इंजन में क्या होता है दिस इज योर इंजन ये आपका पूरा इंजन है ठीक है इस इंजन के ये चार सिलेंडर है एक दो तीन चार ओके ये चारों सिलेंडर जो है इनके बाजू में ये जैकेट लगी हुई है जो ब्राउन वाली है दिस इज द जैकेट वॉटर जैकेट ठीक है अब अगर आप देखोगे तो यहां पे इन इंजन में क्या होता है यहां पे एक रेडिएटर होगा दिस इज योर रेडिएटर ठीक है इस रेडिएटर के अंदर क्या होगा ऊपर से पानी आएगा ठीक है ये आपका वाटर है जो हॉट वाटर है वो यहां से एंटर करेगा हॉट वाटर रेडिएटर में एंटर करके बाहर निकलेगा जब बाहर निकलेगा तो ये पानी ठंडा हो जाता है रेडिएटर के अंदर कूलिंग होती है कूलिंग कहां से होती है वो बाद में बताऊंगा ये पानी ठंडा हो जाता है ये ठंडा पानी अब आपके जैकेट में चला जाएगा पहली जैकेट में दूसरी जैकेट में तीसरी जैकेट में सब में घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के पूरा ही ट्रांसफर करने के बाद में ये बाहर निकलेगा और उसको इंजन से बाहर निकाल के भेज देंगे हम यहां पे जनरली आपका पानी होता है वो एंटर करता है रफली अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे और जब बाहर निकलता है दैट कम्स आउट एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री पे अंदर जाता है 70 पे बाहर निकलता है ठीक है तो जब ये 40 पे अंदर गया 70 पे बाहर निकला इसने कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है आपके लाइनर और सिलेंडर को ठंडा कर दिया है सिलेंडर हेड को ठंडा कर दिया बाहर ले आया है एनर्जी ये एनर्जी जो है अब इसको हम ये पानी जो है इसको ठंडा करते हैं इसको ठंडा कर कैसे करते हो इसको ठंडा करने के लिए जनरली हम क्या लगाते हैं कि यहां पे आपके रेडिएटर के आगे जो ये कार है कार में आपने देखा होगा कार में जाली होती है ऐसी देर इज एन ओपन स्पेस किसी भी कार के सामने अगर देखोगे तो देर विल बी ग्रेटिंग्स जिसमें हवा अंदर जाती है कार के खुला स्पेस रहेगा ठीक है तो कार के अंदर यहां खुला स्पेस होता है बाहर से एयर जो होती है वो इस रेडिएटर के अंदर एंटर करती है और इस एयर को रेडिएटर के अंदर एंटर करवाने के लिए क्या करते हैं ये जो इंजन होता है इसके चारों तरफ एक फैन लगाया हुआ था एयर को पीछे की साइड धकेलता है जब ये एयर को पीछे की साइड धकेलेगा तो ये एयर को आगे से सक करता है पीछे धकेलता है तो एयर आपकी रेडिएटर के अंदर जाती है जब एयर रेडिएटर के अंदर जा रही है एयर ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे है एयर ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे है पानी सत्तर डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा हीट एक्सचेंज होता है दोनों के बीच एयर गर्म हो जाती है पानी ठंडा हो जाता है पानी 40 डिग्री पे बाहर निकलता है एयर आपकी 30 डिग्री पे बाहर निकल के एटमोसफेयर में चली जाती है ओके सो दिस इज हाउ एक्चुअली योर वॉटर कूल्ड इंजन एक्चुअली वर्क समझ में आया क्या समझ में आया क्या <coughs> डीआईजी सैम आप बोल रहे हो क्या इसको सर्कुलेट करने के लिए पंप का यूज करते हैं यस वी हैव वेरी स्मॉल पंप जो जनरली यहां पे लगाया जाता है जस्ट इंजन से पहले एक छोटा पंप लगाया जाता है यहां पे ठीक है जो इसको सर्कुलेट करेगा हॉट <coughs> एयर का आउटलेट कहां पे होता है हॉट एयर आपकी इंजन के अंदर घुसती है यहां पर और जनरली कार के नीचे से निकलती है जो आपकी कार होती है उसके अंदर होट एयर निकलती है और उसके बाद में नीचे से निकल जाती है ओके यहां से ऐसे नीचे आपके कार जो होगा उसके नीचे खाली स्पेस होता है तो वहां से होट एयर बाहर निकलती है कुछ कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं बहुत ही जिनको इंजीनियरिंग गजब आती है देखो कुछ ऐसे धासु इंजीनियर देखे हैं मैंने क्या करते हैं बारिश का मौसम है बारिश का मौसम है।, है और उनको अपनी डुगडुगी से इतना प्यार होता है कि भैया इस गाड़ी पे पानी नहीं लगने देते हैं वो चैंपियन 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 देखो क्या करते हैं वो देखो अरे ये तो पूरा ही भाग गया ये तो अंडू नहीं करेगा वेट ए सेकेंड Where is my board? नहीं है। Let's go back. <laughs> कुछ ऐसे चैंपियन मैंने देखे हैं जो अपनी कार से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो कभी भी उसमें पानी नहीं घुसने देते तो बारिश का जब मौसम है तो बारिश का बारिश का जब एक सेकेंड ठीक है ओके okay. बारिश का जब मौसम था तो यहां पे देखो ये आपकी कार है ये ऐसे पूरी कार है इस कार में आपकी यहाँ पे जाली लगी हुई है उनको लगता है जब हमारी कार चलेगी तो कार के अंदर पानी घुसेगा क्योंकि बारिश हो रही है ऊपर से बारिश हो रही है तो पानी आपकी ग्रेटिंग से अंदर आ सकता है तो वो चैंपियन लोग क्या करते हैं इस जाली के ऊपर ऐसे पोलिथीन लगा देते हैं अंदर की साइड से कि पानी ना घुसे जहां इंजन है जहां पे जाली है उसके अंदर एक पॉलिथीन लगा दी रेडिएटर के सामने यहां पे पॉलिथीन लगा दी अब अगर ये कार चलेगी तो क्या होगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ ये कार जब चलती है तो इसकी पॉलिथीन रेडिएटर के ऊपर आ जाती है यहां से हवा आती नहीं है यहां से हवा नहीं आती है तो आपके इंजन जो है उसमें जो पानी आ रहा था सत्तर डिग्री सेंटीग्रेड पे वो ठंडा नहीं हो पाता है अब पानी सत्तर डिग्री सेंटीग्रेड पे यहां जाता है पानी यहां पे सत्तर पे जाता है तो जब अगली बार बाहर निकलेगा तो सो डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर निकलेगा जैसे ही सौ डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर निकलेगा यहां पे पानी जो होता है पानी बाहर निकलते ही स्टीम में बन जाता है और स्टीम में बनते ही ये पानी बाहर चला जाता है और आपकी कार के अंदर पानी खत्म आपकी कार चल रही है चलते चलते कार के अंदर पानी खत्म इंजन की कूलिंग नहीं हो रही है और इंजन हो गया सीज़, इंजन में सिलेंडर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया 600 डिग्री कि भैया पिस्टन सिलेंडर सब आपस में वेल्ड हो गए चिपक गए पिस्टन बोल रही है नहीं मुझे नहीं चलना है मैं सिलेंडर के पास ही बैठी रहूंगी और इंजन पूरा कपूत हो गया ये भाई साहब चले थे अपनी गाड़ी को पानी से बचाने के लिए और इस प्रोसेस में पूरा कपूत कर दिया इन्होंने कार को नेक्स्ट टाइम अगर कोई चैंपियन लोग है इतना प्यार करता हो अपनी डुगडुगी से ठीक है अपनी डुगडुगी से अगर इतना प्यार करता हो सब कर लेना बट यहां आगे कुछ मत करना आगे कुछ भी मत करना क्योंकि अगर आगे किया तो डुगडुगी एक ही किलोमीटर चलेगी उसके बाद में माइक का लाल कोई नहीं बचा सकता उसको इंश्योरेंस वाला भी पैसे नहीं देगा इंश्योरेंस वाला बोलेगा जान के किया है तुमने ये ठीक है वो पैसे नहीं देगा ओके खत्म बाय बाय टाटा बाय बाय क्लियर है तो सेकंड हमने देख लिया इट इज द वॉटर कूल्ड इंजन नाउ नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी ओके जो ऑयल कूल्ड इंजन हैं या फिर जो कूलेंट वाले इंजन हैं उनका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम होता है जैसे वॉटर कूल्ड इंजन का हमने देखा है ठीक है बस वॉटर की जगह एक में ऑयल आ जाता है और दूसरे में आपका कूलेंट आ जाता है ठीक है ओके वेरी गुड नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ इंजिन अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स इन इंजन क्लियर है सिलेंडर कैसे अरेंज्ड है इस अरेंजमेंट को लेके देर आर मेनी कैटेगरीज बट जो बेसिक कैटेगरीज हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन इज कॉल्ड एज द इन लाइन ठीक है इन लाइन दूसरा इसमें जो कैटेगरी आता है दैट इज कॉल्ड एज द वी इंजेंस ठीक है इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज द रेडियल इंजिन ओके okay. इसमें और भी बहुत सारी कैटेगरी है ओपोज फिस्टन या फिर अपना अलग अलग अरेंजमेंट है बट जो बेसिक तीन जो सबसे ज्यादा यूज होती है दे आर दी थ्री कैटेगरीज एक्चुअली में यह तीनों कैटेगरी है दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सिलेंडर सिलेंडर जो है मल्टी सिलेंडर इंजिन में जहां पे एक से ज्यादा सिलेंडर है एक से ज्यादा पिस्टन है वहां पे सिलेंडर कैसे है, ओके? तो जो इनलाइन लाइन इंजन होते हैं वो एक्चुअली में कुछ ऐसे होते हैं इनलाइन मतलब एक लाइन में अगर आपका सिलेंडर ऐसा है कि आपका इंजन में सिलेंडर जो है वो ऐसे अरेन्ज है आपका इंजन ऐसा है कि इसमें सिलेंडर्स ऐसे अरेंज्ड है ओके आपका ये पहला सिलेंडर है ये दूसरा सिलेंडर है तीसरा सिलेंडर है चौथा पांचवा छठा। इन सबको अगर आप देखोगे तो ये एक लाइन में अरेंज है इफ द अरेंजमेंट इज सच दैट ऑल द सिलेंडर लाइन इन वन लाइन दिस इज कॉल्ड एज द इन लाइन इंजन क्लियर है दिस इज योर इन लाइन ओके इंजेंस इस कैटेगरी में जो नेक्स्ट इंजेंस आते हैं these are called as the v engines v engines kaise hote hain dekho v engines ka jo concept hai that is very interesting maan lo aapke paas mein ek inline engine hai aur dusra inline engine hai दो inline engine है इन दोनों inline engine की अगर आप crankshaft शाफ्ट निकाल के, और इन दोनों को ऐसे अरेंज करो कि एक ही क्रैंकशाफ्ट से जोड़ दो। दोनों इंजन की क्रैंकशाफ्ट निकाल लो और एक ही क्रैंकशाफ्ट कर दो कॉमन क्रैंकशाफ्ट तो अगर आप देखोगे तो यहां पे ये एक इनलाइन इंजन है ये एक इनलाइन अरेंजमेंट है यहां पे सिलेंडर नंबर वन सिलेंडर नंबर टू सिलेंडर नंबर थ्री सिलेंडर नंबर फोर ये चार इनलाइन थे इनका ये क्रैंकशाफ्ट था उसके बाद में आपने और चार इंजन लिए वन टू थ्री एंड फोर ये चारों इनलाइन इंजन है इनका एक क्रैंकशाफ था दोनों को निकाला और आपने एक क्रैंकशाफ्ट से जोड़ दिया तो अब अगर आप देखोगे तो आपके इंजन अगर देखोगे तो इंजन के दो एक्सिस हैं बेसिकली ठीक है सिंगल है एक लाइन इधर है दूसरी लाइन इधर है तो ये जो दो लाइन वाले अरेंजमेंट है जिसमें सिलेंडर्स एक शेप में रखे हुए वी शेप में अगर आप देखोगे दिस इज अ शेप तो ऐसे जो इंजन होते हैं वी इन वी इंजन का बेनिफिट है? है दे आर वेरी कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है अगर आप इनलाइन इं इंजन देखते ठीक है तो मान लो आपका इतना स्पेस है इतने स्पेस में आपके चार सिलेंडर आ गए तो अगर सिर्फ एक इनलाइन अरेंजमेंट करता तो सिर्फ चार सिलेंडर आते चार सिलेंडर में आपका जो हॉर्स पावर निकलता वो लेट से ट्वेंटी तो आपका एक इनलाइन इंजन है वो बीस हॉर्स पावर दे रहा है इतने स्पेस में बट अब अगर आप वी इंजन लगा देते हो तो इतने ही स्पेस में दो रोज ऑफ सिलेंडर लग गए तो अब आपका गाड़ी का जो पावर होगा बिकम ट्वाइस तो आपका पावर चालीस हॉर्स पावर हो जाएगा जनरली जो आपके कार्स होती हैं, उन कार्स में जो सिलेंडर्स होते हैं दे आर मोस्टली प्लेस्ड लाइक दिस जो भी कार आपकी जिसकी कैपेसिटी दो लीटर इंजन से ज्यादा है जो जिसका इंजन दो हजार सीसी से ज्यादा है दो हजार सीसी से ज्यादा इंजन होता है जिसका जनरली उसमें छह सिलेंडर होते हैं ठीक है ये छे सिलेंडर वाला जो इंजन होगा बी वी इंजन जिसमें तीन एक तरफ लगे होंगे तीन एक तरफ लगे होंगे दोनों मिलके ये इंजंस बनाते हैं मोस्टली जो आपके रेलवे के इंजंस होते हैं दे आर वी इंजंस ठीक है जहां पे आपको स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है कार होती है कार में स्पेस का कंस्ट्रेंट है ठीक है मान लो आपके पास में स्कॉर्पियो है या फिर आपके पास में फॉर्च्यूनर है तो इनकी पावर बहुत है तीन लीटर का इंजन आता है 4 लीटर का इंजन आता है बस जितना भारी इंजन आता है इनमें तो उस जगह पे आपको आगे का बोनट जो होता है उसका स्पेस कम है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए आप वी टाइप इंजन बनाते हो जो एक गिवन स्पेस के अंदर आपको ऑलमोस्ट डबल पावर दे देता है दीज आर कोल्ड एज द वी लाइन इंजन क्लियर है क्या क्लियर <coughs> <Clear> है सबको वी इंजन आर 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर देखो जनरली ये फिक्स नहीं है हम कहते हैं 90 डिग्री बट दिस इज नॉट फिक्स्ड इट डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर कभी 80 डिग्री भी हो सकता है कभी 120 डिग्री भी हो सकता है इट डिपेंड बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो अरेंजमेंट होता that is around है दैट इज अराउंड 90 ठीक है ओके वेरी गुड समझ में आ गया वी ठीक है नेक्स्ट चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ एंड दैट इज कॉल्ड एज द रेडियल इंजन वी इंजन में आपने क्या किया था दो इनलाइन इंजन लिए थे बट अगर दो इन लाइन को होके उसको आप और ज्यादा पावर कंसंट्रेट करना चाहते हो एक गिवन स्पेस में तो आपने क्या किया एक इंजन लिया दो इंजन लिया तीन लिया चार लिया पांच लिया लिया सात लिया ये सातों इंजन को आपने ऐसे प्लेस कर दिया कि सबका शाफ्ट सिर्फ एक ही है और बाकी सारी पिस्टन एक दूसरे के साथ अलाइंट है इन सर्कुलर फैशन ऑल दीज इंजन आर प्लेस्ड रेडियली आपकी पिस्टन जो होगी दैट विल बी रेडियल तो ऐसे इंजन होते हैं दीज आर कोल्ड एज द रेडियल इंजन ये इंजन जो थे दे आर वेरी पॉपुलर इन योर एयरक्राफ्ट ठीक है जो आपके प्रॉपुलर टाइप एयरक्राफ्ट होते हैं आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एयरक्राफ्ट होते थे जिनके अंदर जिनका जो जो हवाई जहाज होता था वो कुछ ऐसा होता था ठीक है ये आपका हवाई जहाज है और इसके आगे आपका एक ऐसा फैन लगा रहता था ठीक है तो ये जो इंजन होते थे दीज आर मोस्टली रेडियल इंजेंस ओके okay, या तो ये यहां पे प्लेस्ड होता था या फिर विंग्स के ऊपर प्लेस्ड होता था यहां पे ओके okay, तो ये जो इंजन होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर रेडियल इंजन हवाई जहाज है इसमें पावर ज्यादा रिक्वायर्ड होता था पावर ज्यादा रिक्वायर्ड होने के लिए बहुत सारे सिलेंडर्स को एक साथ प्लेस किया जाता था इन अ रेडियल फैशन जिसका क्रैंकशाफ्ट जो है इट इज ओनली वन क्रैंकशाफ्ट और यहां ऐसे सर्कल में सारे इंजन लगे होते थे क्लियर है क्या है ये सबको समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ओके वेरी गुड <laughs> सर कार्स में 1.2 वी 2.4 वी 2.6 वी लिखा रहता है ये क्या रहता है देखो ये 1.2 वी नहीं होता है पहली बात तो ठीक है ये होता है 1.2 लीटर या तो ये ऐसा लिखा रहेगा 1.2 लीटर या फिर इसको ऐसा लिखते हैं 1200 सीसी 1.2 लीटर या 1200 सीसी ये होता है ये एक्चुअली में 1.2 लीटर या 1200 सीसी है क्या दिस इज कॉल्ड एज द कैपेसिटी ऑफ इंजन दिस इज कैपेसिटी ऑफ इंजन और कैपेसिटी ऑफ इंजन का मतलब क्या होता है कैपेसिटी ऑफ इंजन का मतलब होता है आप अगर देखना चाहो आपका ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है 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 ठीक है? तो से आपका पिस्टन जो है, वो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो जब ये सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो आपका पिस्टन यहां टीडीसी पे है यहां पे बीडीसी पे है दिस इज योर टीडीसी दिस इज योर बीडीसी ठीक है ये जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो हमने कहा था एक स्ट्रोक होता है तो अगर आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ रहा है तो इसने कितना वॉल्यूम स्वीप किया है कितना वॉल्यूम स्वीप किया मतलब इसका कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द स्वेप्ट वॉल्यूम ओके दिस इज कॉल्ड एज द स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब आपका पिस्टन जो है वो कितना वॉल्यूम स्वीप कर रहा है तो ये स्वेफ्ट वॉल्यूम जो होता है जनरली इसको हम किस किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आपके पास में स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर क्यूब ठीक है ये तो होती है मीटर क्यूब या फिर होती है सेंटीमीटर क्यूब ठीक है सेंटीमीटर क्यूब तो एक्चुअली में ये जो सिलेंडर होते हैं इनका स्वेप्ट वॉल्यूम बहुत कम होता है छोटी सी पिस्टन होती है छह सात सेंटीमीटर की और उसका स्ट्रोक भी छह सात सेंटीमीटर होता है तो रफली इनका जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम दैट समवेयर अराउंड थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब वी इज़ अराउंड थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब और इस थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब को हम लिखते हैं थ्री हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर सी सी क्यूबिक सेंटीमीटर तो एक सिलेंडर का जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है अराउंड 300 क्यूबिक सेंटीमीटर और अगर आपके कार में चार ऐसे ऐसे सिलेंडर लगे हैं 300 सेंटीमीटर क्यूब के चार ऐसे सिलेंडर लगे हैं तो अगर टोटल आपके इंजन का स्वेप्ट वॉल्यूम देखूं तो इसका क्या टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम बारह सीसी हो गया बारह सीसी हो गया सो यह आपके इंजन की कैपेसिटी हुई बारह सीसी 1200 cc मतलब 1200 सेंटीमीटर क्यूब 1200 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होता है दिस इज इक्विवेलेंट टू 1.2 पॉइंट टू लीटर लीटर इज अगेन अ मेजर ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट वन लीटर सो दिस बिकम्स 1.2 पॉइंट टू लीटर तो ये जो 1.2 पॉइंट टू लीटर है या 2 लीटर है 2.4 पॉइंट लीटर है 4.0 पॉइंट लीटर है ये जो होता है दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम स्वेप्ट स्वेप वॉल्यूम ऑफ ऑल द सिलेंडर्स समझ में आया क्या समझ में आया क्या ज, जिनोम इंजन भैया बाकी बहुत सारे इंजन होते हैं बाकी बहुत सारे इंजन होते हैं जीशन ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है ठीक है आजकल ये नहीं पूछा जाता है जिनोम इंजन कौन सा है रेडियल इंजन कौन सा है मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बता दिया है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा अंडर डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है क्लियर है सो so गाइज यहां पर हमारा क्लासिफिकेशन जो होता है इंजन का वो खत्म होता है क्या सबको समझ में आया जो इंजन का मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक देन पेट्रोल डीजल यहां पे आपको हमने बता दिया है और भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं बट वो कैटेगरीज यूज नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने डिस्कस किया है वही यूज होता है ओके okay? सो so, यहां पे हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है नेक्स्ट लेक्चर में नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्चुअल साइकिल्स पहले हम जाएंगे फोर स्ट्रोक इंजन पे फिर हम टू स्ट्रोक इंजन पे देन वी विल गो टू ऑटो इंजन ऑटो साइकिल देन वी विल गो टू डीजल साइकिल समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है मजा भी आ रहा है देखो भैया अगर समझ में आ रहा है मजा आ रहा है इंटरेस्ट आ रहा है तो शेयर कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर लो चैनल को क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब कर लोगे आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे जैसे ही मैं यहां पे कोई वीडियो अगर चालू करूंगा हो सकता है उस दिन आपने ध्यान नहीं दिया हो तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और जितने भी वीडियोस मैं स्टार्ट करता हूं एटलीस्ट एक बार देख लेना कि आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं है ओके? Okay? So में हम देखेंगे नेक्स्ट <coughs> क्लास में हम देखेंगे साइकिल से शुरू करेंगे फोर स्ट्रोक साइकिल से ठीक है सर आपसे यह पूछना था कि आईसी इंजन में गणेशन के सारे चैप्टर्स कर करवाओगे लाइक इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम नॉन कन्वेंशनल इंजन इंजन एंड कंट्रोल टेस्टिंग यार देखो ये सब अगर करवाने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इनके बारे में मैं छोटा छोटा आपको ब्रीफ में बता दूंगा आजकल आईसी इंजन जो है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में वो नहीं जा रहा है गेट में बेसिकली न्यूमेरिकल पे फोकस करता है ई में क्वेश्चंस आते हैं बट जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें 90 कहीं से भी आ सकते हैं ठीक है 10 अगर आप पूरी पढ़ लोगे, तो भी शायद नहीं आंसर कर पाओगे वो क्वेश्चन वही आंसर कर पाएगा जो मेरे जैसा है जिसने तीन साल इंजन पर पूरा काम किया है इन एंड आउट जिसको सब कुछ आता है वो कर सकते हैं लेकिन उतना अगर करने जाएंगे तो ये कोर्स तीन घंटे का हो जाएगा ओके So, मैं ट्राई करूंगा जितना आपको जितना रिक्वायर्ड है सफिशियंट टाइम में हम करवा सके उतना मैं आपको करवा दूंगा ठीक है सो दैट्स ऑल गाइज वॉट वी हैव फॉर टूडे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर ये ग्रीन इंजन क्या <laughs> देखो भैया जितने भी ये छोटे छोटे सवाल हैं इनको गूगल कर लो ठीक है मैं मैं बता दूंगा लेकिन इन छोटे छोटे सवालों को गूगल करना देखो दो मिनट लगेगा फटाफट सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है गाइज दैट्स ऑल वॉट वी हैव फॉर टूडे शेयर करते रहो ओके okay? मजे लेते रहो और जो लोग ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं आप ऑफलाइन जरूर करो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले